अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntunkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। स्नोफॉल सर्दियों की खूबसूरत शाम है। दिन छोटे होने की वजह से गट्टू और चिंकी बाहर से खेलकर जल्दी घर वापस आ जाते हैं। वाह, आज दोनों इतना टाइम पर घर आ गए। मैं तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म सूप बना लेती हूँ, तब तक तुम मूंगफली और खजूर खाते हुए टीवी चैनल देखो। खजूर और मूंगफली क्यों मम्मी? बेटा, सर्दियों के हिसाब से खाना पीना बदल जाता है। मूंगफली हमारी बॉडी को गर्माहट देता है और सर्दियों में बहुत फायदा करता है। मम्मी रसोई में सूप बनाने चली जाती है और गट्टू और चिंकी आपस में रिमोट के लिए लड़ने लगते हैं। मैं गानों वाला चैनल देखूंगी। नहीं, मैं WWE मैच देखूंगा। तभी पीछे से पापा बोलते हैं, लड़ो मत बेटा, एक काम करो, न्यूज लगा लो थोड़ी देर, अभी टेम्परेचर क्या चल रहा है वो पता चल जाएगा। गट्टू न्यूज लगा देता है, तभी खबर आ रही होती है, आज के मौसम के समाचार। पूरे देश में पारा गिर चुका है, पहाड़ी क्षेत्रों में 0 डिग्री से नीचे जा चुका है। आज शिमला में बर्फ गिर गई है। वाव, बर्फ गिर गई? फिर से चलो ना पापा, मुझे पिछली बार स्केटिंग करनी थी लेकिन हो ही नहीं पाई। ये नेचुरल आइस है बेटा, पहाड़ी जगहों पर जब तापमान 0 से नीचे चला जाता है तो पानी बर्फ के रूप में जम जाता है और आसमान से भी बर्फ गिरने लगती है। अभी 2 साल पहले गए तो थे हम उत्तराखंड औली, लेकिन सबसे ज्यादा बर्फ शिमला में पड़ती है। मुझे भी यहाँ जाना है मम्मी, वहाँ पर हम फिर से बर्फ के गोले खेलेंगे, फिर से बर्फ को गिरते हुए देखेंगे। हाँ मम्मी, पिछली बार इतनी स्नोफॉल नहीं देख पाए थे, लेकिन इस बार हम सब कुछ कैमरा पर रिकॉर्ड भी कर लेंगे। तभी पापा कहते हैं, ठीक है बच्चों, हम इस बार क्रिसमस की छुट्टी मनाने शिमला जाएंगे, आप लोग तैयारी कर लो। क्रिसमस डे आ जाते हैं। गट्टू और चिंकी के स्कूल से छुट्टियां भी हो चुकी होती है। दोनों बहुत एक्साइटेड होते हैं। सभी लोग पैकिंग कर रहे होते हैं, तभी चिंकी कहती है, हम दोनों बर्फ से खूब खेलेंगे गट्टू। यस, मैं तो पॉलिथीन में भर कर यहाँ ले आऊंगा। ये सुनते ही मम्मी पापा जोर जोर से हंसने लगते हैं। शिमला उतरते ही सब लोग होटल पहुँच जाते हैं। चारों तरफ सफेद चादर बिछी होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी गट्टू चिंकी ने टीवी पर देखी थी। इतनी सी बर्फ पापा, इसमें हम इग्लू कैसे बनाएंगे? हाँ, और मुझे स्नोमैन भी बनाना है। अरे बाबा रुक जाओ, 1-2 दिन में पूरी तरह से स्नोफॉल होगा तो वो भी दिखाएंगे आपको। गट्टू और चिंकी खिड़की से बाहर देख ही रहे होते हैं कि अचानक से बर्फ गिरने लगती है। दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं। चिंकी और गट्टू एकदम से बाहर की तरफ भागे, ऐसा लग रहा था ऊपर से रुई गिर रही हो। वाव! और वो जोर जोर से स्नो की पोयम गाने लगती है। सर्दी आई इतनी सारी बर्फ लाई, मैं इसके गोले बनाऊंगी और स्नोमैन बनाऊंगी, मैं तो चला इग्लू बनाने। इधर गट्टू इग्लू बनाने में व्यस्त होता है तो उधर चिंकी स्नोमैन बना रही होती है। पापा को भी मस्ती सूझती है और वो बर्फ का एक गोला बनाकर मम्मी के ऊपर मारते हैं। सभी हंसने लगते हैं। पापा, पिछली बार हम रेंडियर या वैसी सवारी नहीं कर पाए थे, ना ही कोई अलग से एक्टिविटी कर पाए थे। आपने कहा था मैं छोटा हूँ, लेकिन अब मैं ग्रोन अप बॉय हूँ, मुझे स्केटिंग करनी है। ठीक है बेटा, कल सुबह जल्दी हम लोग और ऊंचाई पर एक्टिविटीज करने जाएंगे। अगले दिन सुबह सब जल्दी तैयार हो जाते हैं और सबसे ऊपर की पहाड़ियों पर चढ़ने लगते हैं। मम्मी वो देखो, ऊपर इतनी हाइट पर लोग टोकरी से कैसे टंगे हैं? बेटा वो स्काई पर सीट्स हैं, जिस पर 1 या 2 लोग बैठकर एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाते हैं। ऊपर से बर्फ का नजारा दिखाई देता है। हम भी बैठेंगे ना इस पर? हाँ, लेकिन पहले हम स्केटिंग करेंगे। थोड़ी देर बाद गट्टू पापा मम्मी और चिंकी स्केटिंग शूज पहनकर चलने लगते हैं। चिंकी बार बार गिर रही होती है, गट्टू जोर जोर से हंसने लगता है। चिंकी को गुस्सा आता है तो बर्फ का गोला बनाकर गट्टू पर डाल देती है। गट्टू भी एक गोला बनाकर चिंकी के मुंह पर मारता है। थोड़ी देर बाद सब लोग 4 कुत्तों वाली एक बग्घी में भी बैठते हैं। पासी में एक आदमी पहाड़ी भालू को पकड़कर बैठा होता है। अरे इसके बाल कितने घने हैं? हाँ बेटा, ये पहाड़ी है ना, इसलिए जितने ज्यादा इसके बाल होंगे उतना ही ये सर्दी से बचा रहेगा। मतलब भगवान जी ने उसको प्राकृतिक जैकेट दी है?
हाँ बेटा, भगवान जी ने हर जानवर को यूनिक और स्पेशल बनाया है। यहाँ कुत्ते भी अलग नस्ल के होते हैं और गाय भी थोड़ी छोटी, ताकि उसको पहाड़ी पर चढ़ने में आसानी रहे। जैसी जगह होती है वैसा ही फिर जानवर अपने आप को ढाल भी लेते हैं। आप आगे जाकर विज्ञान की किताब में डार्विन के सिद्धांत में ये पढ़ेंगे। अरे बाबा, अभी छोड़ो ये सब पढ़ाई लिखाई, स्केटिंग तो हो गया, आगे कुछ एडवेंचर और है। और ऊपर चलते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं, बर्फ की चादर मोटी होती जाती है। सब ट्रॉली में बैठ जाते हैं, दोनों खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। मम्मी वो देखो, एकदम ऊपर कैसे बर्फ जमी है पहाड़ पर, जैसे सॉफ्टी आइसक्रीम हो। मम्मी मुझे डर लग रहा है, कितनी हाइट पर ट्रॉली है ये। अरे तुम नीचे मत देखो या आँख बंद कर लो। ओहो, लगता है इतनी ऊंचाई देखकर डर गई है वो। रो मत चिंकी, अभी बस नीचे उतर जाएंगे हम। थोड़ी देर बाद तीनों नीचे उतर जाते हैं। गट्टू बर्फ का गोला बनाकर चिंकी को डरपोक कह के चिढ़ाते हुए उसके मुंह पर मारता है। चिंकी भी एकदम तेजी से गोला बनाकर वापस गट्टू के मुंह पर मारती है और कहती है, मैं तुझको नहीं छोड़ूंगी। दोनों तेजी से इधर उधर भागने लगते हैं और बर्फ और तेजी से नीचे गिरने लगती है। मम्मी भी एकदम से पापा की तरफ गोला बनाकर भागती है। थैंक यू सो मच, आप हम सबको यहाँ लेकर आए। तभी दौड़े दौड़े गट्टू और चिंकी भी आकर उनको हग करते हैं। बुआ की शादी। गट्टू चिंकी बहुत खुश होते हैं। दोनों मम्मी के साथ बाजार कपड़ों की शॉपिंग करने भी जाते हैं। नए जूते, नए गिफ्ट्स, नए कपड़े, सब कुछ नया। चिंकी एकदम परियों जैसी दिखने वाली फ्रॉक पहनकर देखती है। मम्मी हम इतनी सारी शॉपिंग क्यों कर रहे हैं, दिवाली तो गई। हाँ मम्मी। बेटा गांव में जो बुआ जी हैं उनकी शादी है, तुम्हारे पापा की सबसे छोटी बहन है वो। तो हम गांव जाने वाले हैं? हाँ, खूब धूमधाम से होगी शादी। बुआ की शादी में भतीजा और भतीजी सबसे सुंदर कपड़े नहीं पहनेंगे तो कौन पहनेगा? गट्टू जिंकी, मम्मी पापा और दादी सब ट्रेन में बैठे थे। मम्मी मैं उनकी शादी में खूब डांस करूंगी। हाँ बेटा, तुम दोनों डांस करना, कोरियोग्राफर आएगा, वो स्टेप्स सिखा देगा। लेकिन चिंकी सीट से उतरकर ही नाचने लगती है। मैंने पायल है छनकाई, मैंने पायल है छनकाई, ओहो हो, ओहो हो। सब हंसकर तालियां बजाने लगते हैं। थोड़ी देर में ट्रेन गांव पहुंच जाती है। सब लोग शादी के घर पहुंच जाते हैं। चिंकी और गट्टू के माथे पर तिलक लगाया जाता है, उसके बाद पापा मम्मी के भी, और आरती की थाल फेर कर घर के अंदर बुलाया जाता है। ये सब क्या था मम्मी, उन्होंने थाली क्यों फेरी मम्मी? बेटा उन्होंने हम सबका वेलकम किया है, ऐसे ही सबका वेलकम किया जाता है। अब हम लोग फ्रेश होकर बुआ की हल्दी में नाचेंगे, ठीक है? तभी पास में खड़ी मौसी आकर कहती है, अरे अरे मेरे भांजे भांजी कितने बड़े हो गए, एकदम छोटे छोटे थे तब देखा था इन्हें। आप सब जल्दी से फ्रेश होकर हॉल में आ जाइए, वहाँ हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। वाओ। हाँ बेटा, बुआ की शादी है ना, तो हम सबको नाचना है। लेकिन बुआ किधर है, किधर है बुआ? वो पार्लर गई है बेटा, आ जाएगी। हल्दी की रस्म में भी तो बेस्ट दिखना होता है। ये बोलकर मौसी चली जाती है। मम्मी ये हल्दी की रस्म क्या होती है? बेटा शादी से 3 दिन पहले विनायक जी बिठाते हैं, मतलब अपने गन्नू भैया। पास में एक छोटा सा लड़का बिठाते हैं जो गन्नू का रूप होता है। उसके बाद दुल्हन के चेहरे पर हल्दी लगाते हैं ताकि उसका रूप रंग निखर जाए, दुल्हन सबसे सुंदर लगे। आखिर हमारी बुआ दुनिया की बेस्ट दुल्हन लगनी चाहिए ना। मैं भी बुआ को हल्दी लगाऊंगी मम्मी। हाँ आप भी लगा लेना, उससे पहले हम डांस प्रैक्टिस में भी तो जाएंगे, बेस्ट डांस करना है हम सबको। सब लोग कमरे में चेंज करके वापस आ जाते हैं, एक दूसरे को नमस्ते कर रहे होते हैं। गट्टू और चिंकी सबके पांव छूते हैं, तभी मौसी उनको बुलाने आ जाती है। चलो सब लोग हॉल में, कोरियोग्राफर आ गए हैं। अरे मैं क्या करूँगा, आप सब जाओ। अरे आप कैसे मना कर सकते हैं, आपकी तो बहन है, आपको तो नाचना ही होगा। अरे बाबा मैं नाचने लगा तो शादी की तैयारियां कौन करेगा, आप सब जाओ, मैं मेहंदी के समय कमर मटका लूंगा। क्यों चिंकी?
यस पापा। सब लोग हॉल में आ जाते हैं जहाँ बहुत हलचल मची हुई होती है। घर की बूढ़ी औरतें भी धीरे धीरे स्टेप्स ले रही होती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे पोले चूड़ियाँ पर नाचना है। सब हंसने लगते हैं। गाना बजाने के बाद सब नाचने लगते हैं। चिंकी एकदम खुश होकर नाच रही होती है। कम ऑन, आप सब बहुत अच्छा नाच रहे हैं। कल मेहंदी में सबको हरा देना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। शाम हो जाती है। सब लोग वापस अपने कमरों में तैयार होने चले जाते हैं। तभी बुआ पार्लर से आ जाती है। गट्टू और चिंकी एकदम तेज भागकर बुआ से लिपट जाते हैं। बुआ, आप कितनी सुंदर लग रही है। तुम भी एकदम परी जैसी लग रही हो मेरी गुड़िया। दोनों बच्चे एकदम खुश होकर बुआ से लिपट जाते हैं। दादी बता रही थी आप दूसरे घर चली जाएंगी बुआ। हाँ बुआ, फिर क्या आप कभी नहीं आओगी? हाँ, बुआ के आंखों से आंसू गिरने ही वाले होते हैं कि दादी आकर बोलती है, किसने बोला? बुआ हमारे साथ ही रहेगी, आती जाती रहेगी। जैसे अभी वो कभी गांव रहती है तो कभी कभी शहर आती है। तुम लोगों से मिलने आगे भी आती रहेगी। बुआ कहीं नहीं जाएगी। और अभी तो गट्टू बुआ का विनायक बनेगा रस्मों में। विनायक कैसे बनूंगा दादी, वो गन्नू जी है ना? हाँ बेटा, लेकिन बुआ के साथ एक लड़का हमेशा बैठेगा विनायक बनकर, जो उनकी बुरी नजर से रक्षा करेगा, उनका ध्यान रखेगा, उनके साथ सब रस्मों में बैठेगा। वो बुआ का लाडला भतीजा गट्टू बनेगा। और दादी मैं क्या बनूंगी? तुम बुआ का ध्यान रखोगी, उनके साथ नाचना गाना, उनको हल्दी लगाना। तुमको कुछ बनने की जरूरत नहीं। थोड़ी देर में पाटा लग जाता है। एक पर बुआ और एक छोटे पाटे पर पास में गट्टू को बिठा दिया जाता है विनायक बनाकर। सब औरतें गीत गाने लगती हैं और एक एक कर बुआ के गाल पर हल्दी लगाने लग जाती हैं। मैं भी हल्दी लगाऊंगी। और वो आगे बढ़कर उसको हल्दी लगा देती है। सब हंसने लगते हैं। तभी गट्टू से भी रहा नहीं जाता और वो भी उठकर बुआ को हल्दी लगा देता है। और चिंकी भी गट्टू के गालों पर हल्दी लगा देती है। सब लोग देर रात तक नाचने लगते हैं। तभी दादी आकर बोलती है, अरे इतनी देर हो गई है, सो जाओ अब, और बुआ को भी सोने दो, वरना उनको अंडर आई आ जाएगी। कल मेहंदी का फंक्शन भी तो है और हमारे गट्टू और चिंकी बुआ को सरप्राइज भी तो देंगे, इसीलिए जाकर सो जाओ। मेहंदी का दिन आ जाता है। पूरे घर में अलग तरह से कुछ लोग डेकोरेशन कर रहे होते हैं। बुआ भी आज हल्का हरे रंग का लहंगा पहनकर तैयार हो रही होती है और उधर गट्टू चिंकी भी सरप्राइज डांस परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। गट्टू, तुम अपने स्टेप्स अच्छे से नहीं कर रहे हो, मुझे फर्स्ट आना है, कहीं गड़बड़ हुई तो खूब लड़ाई करूंगी। अरे मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना, तुम कमर कितना मचकाती हो, इतना नाचना मुझे नहीं आता। अरे बच्चों, बाहर टेंट लग गया है, इससे पहले कि बुआ आए दोनों पानी पूरी तो खा लो। पानी पूरी? चलो गट्टू बाहर चलकर पहले पानी पूरी खा लेते हैं। थोड़ी देर बाद मेहंदी की सब रस्में शुरू हो जाती है। पासी में बने स्टेज पर सब लोग नाचने लगते हैं। थोड़ी ही देर में पापा अनाउंसमेंट करते हैं, अब बुआ को सरप्राइज देने आ रहे हैं गट्टू और चिंकी, तालियों से स्वागत करें। सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। चिंकी कमर मटकाते मटकाते स्टेज पर आ जाती है। गट्टू उसके पीछे आता है, लेकिन घबराहट से गट्टू स्टेप्स भूल जाता है और कुछ अलग स्टेप करने लगता है। गट्टू, तुमने मेरी परफॉर्मेंस खराब कर दी, सब लोग कितना हंस रहे थे। सॉरी चिंकी। चिंकी को रोता देख दादी स्टेज पर जाकर कहती है, और आज की परफॉर्मेंस की विनर है हमारी चिंकी। ये सुनते ही चिंकी एकदम फिर से खिलखिलाकर हंसने लगती है और स्टेज पर जाकर दादी के साथ फिर से नाचने लगती है।
अगले दिन बारात के आने पर सब लोग स्वागत करते हैं। गट्टू चिंकी बुआ को दुल्हन में देखकर एकदम खुश हो जाते हैं। सब लोग वरमाला और फेरों को अटेंड करके जाने लगते हैं। गट्टू चिंकी एकदम बुआ के पास आकर बैठ जाते हैं। ओम स्वाहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। दादी, शादी हो गई क्या? हाँ बेटा, अब तुम्हारी बुआ पराई हो गई। अरे आप रोइए मत, ये तो खुशी की घड़ी है। आइए विदाई की रस्में पूरी करते हैं। गट्टू और चिंकी, तुम भी बुआ के पास आओ। और इस तरह हंसी खुशी गट्टू चिंकी बुआ की शादी अटेंड करते हैं। बुआ को कार में बिठाते ही गट्टू के गाल पर वो प्यार से हाथ फेरती है। गट्टू कहता है, आप टेंशन मत लो बुआ, मैं सबका ख्याल रखूंगा और आप जब वापस आओगी तब तक डांस स्टेप भी सीख लूंगा। सब हंसने लगते हैं। चिंकी भी अपने आंसू पोंछ कर हंसने लगती है। चिंकी की नई ड्रेस। बड़ों से कुछ मांगना हो तो बच्चे ऐसा दिमाग लगाते हैं कि बड़ों की बोलती ही बंद हो जाती है। एक शाम चिंकी कबर्ड खोलकर अपने कपड़े देख रही थी। कितने पुराने कपड़े हैं मेरे पास, एक भी नई ड्रेस नहीं। तभी अचानक उसे एक आइडिया आया। आइडिया? मम्मी से नई ड्रेस मांगने का इससे बेटर आइडिया तो हो ही नहीं सकता। इधर मम्मी रूम के सामने से गुजर रही थी, अचानक उनका ध्यान अंदर गया। चिंकी कहाँ गायब हो गई? अभी तो कबर्ड खोलकर खड़ी थी। मम्मी अंदर कबर्ड के सामने आकर खड़ी हो गई और इधर उधर चिंकी को देखने लगी। तभी अचानक कबर्ड मम्मी से बोला, क्या आंटी चिंकी को ढूंढ रही हो? पहले तो आवाज सुनकर मम्मी एकदम डर गई थी, लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोली, हाँ चिंकी का रूम है ना, चिंकी को ढूंढ रही हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मैं कबर्ड, मैं चिंकी के कपड़ों का कबर्ड बोल रही हूँ, सॉरी बोल रहा हूँ। ये सुनकर तो मम्मी की हंसी फूटने वाली थी। ओह, तो तुम कबर्ड बोल रहे हो? कबर्ड, क्या तुम बता सकते हो मेरी चिंकी कहाँ है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बता सकता। अच्छा, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि मुझे भूख लगी है, मेरा पेट बिल्कुल खाली है। कितने दिन हो गए, एक भी नई ड्रेस नहीं आई। पहले नई ड्रेस ला कर दो, फिर बोलूंगी चिंकी कहाँ है। ये सुनकर मम्मी ड्रामा करती हुई बोली, अरे उसी के लिए तो ढूंढ रही थी, उसे शॉपिंग ले जाना था, लेकिन छोड़ो, नई ड्रेस कैंसिल। जैसे ही कवर्ड ने कैंसिल वाली बात सुनी, कवर्ड का मुंह एकदम से खुल गया और कवर्ड में बैठी चिंकी जोर से चिल्लाई, क्या मम्मी आप हमेशा ऐसा करती हो, गट्टू कुछ मांगता है तो फट से मान जाती हो। चिंकी को ऐसा देखकर मम्मी की हंसी फूट गई, वह जोर जोर से हंसने लगी और हंसते ही चिंकी को नई ड्रेस लाने की बात भी फाइनल हो गई। सैटरडे शाम की बात है, पापा ऑफिस से आए तो मम्मी हॉल में तैयार बैठी थी। अरे तुम चिंकी को शॉपिंग लेकर जाने वाली थी ना, गई नहीं? चिंकी आए तो जाऊँ ना, चिंकी तो नीचे गट्टू के साथ खेल रही है। तो गट्टू चिंकी सोसाइटी कैंपस में खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे और मम्मी हाथ में पर्स लेकर सीधे उनके सामने आकर खड़ी हो गई। क्या चिंकी, कब से ऊपर वेट कर रही हूँ तुम्हारा? ओ मम्मी सॉरी, खेल खेल में तो भूल ही गई थी हमें शॉपिंग करने भी जाना है, ये सब इस गट्टू की वजह से हुआ। अब यहाँ खड़े खड़े झगड़ा मत शुरू करो, जाओ गट्टू भागो, हमारे लिए रिक्शा लेकर आओ। गट्टू मिल्खा की स्पीड से भागा और बाहर से एक रिक्शा सोसाइटी में लेकर आया। मम्मी और चिंकी रिक्शे में बैठकर शॉपिंग के लिए निकल पड़े। मॉल में आकर मम्मी छोटी मोटी शॉपिंग करने लगी, चिंकी बेचारी ड्रेस सेक्शन में जाने के लिए बेकरार थी। मम्मी चलो। और चिंकी मम्मी को लेकर किड्स कॉर्नर पहुंची गई, जहां काफी सारे अलग अलग आकर्षक ड्रेस बच्चों को एक्साइटेड कर रहे थे। चलो जो चाहिए वो ड्रेस चूज कर लो। लेकिन इतनी सारी नई नई ड्रेसेस और ट्रेंडी फैशंस देखकर बेचारी चिंकी कंफ्यूज हो गई थी। ये वाली लूं या फिर वो वाली, या फिर पूरी दुकान ही लूं? इस प्रकार चिंकी उलझन में फंसी थी कि तभी उसकी नजर एक ड्रेस पर पड़ी और उसके दिमाग से बाकी सारे ड्रेस आउट हो गए। वाओ सो नाइस, ये वाली ड्रेस तो मैंने किसी के पास नहीं देखी, एकदम नया वाला फैशन है, ये ट्राई करके देखती हूँ। ऐसा कहकर चिंकी वो ड्रेस उठाने ही वाली थी कि तभी झट से वो ड्रेस एक दूसरी लड़की ने खींच लिया। अरे ये मैं लेने वाली हूँ। ओए हटो, ये ड्रेस तो मेरी है।
नहीं, मेरी है। और इस प्रकार दोनों का झगड़ा शुरू हो गया। उनका झगड़ा सुनकर मैनेजर और मम्मी भी वहाँ आ पहुँची। मम्मी देखो ना, ये ड्रेस मैंने पहले पसंद की और ये लड़की मान ही नहीं रही। डोंट वरी, ऐसा दूसरा ड्रेस भी होगा यहाँ पर। सॉरी मैम, ये सिंगल पीस ही अवेलेबल है। फिर तो ये ड्रेस मुझे ही चाहिए। चिंकी बेटा, और भी तो बहुत ड्रेस हैं, तुम वो ट्राई करो। नहीं, मुझे यही पसंद है, मुझे यही चाहिए। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, मिंकी। सबने पीछे देखा तो पीछे मिंकी की मम्मी खड़ी थी। मम्मी, मुझे यही ड्रेस चाहिए। तभी चिंकी की मम्मी मिंकी की मम्मी से बोली, अरे सरला, तू पहचाना मुझे? कैसे नहीं पहचानूंगी यार, 3 साल कॉलेज में एक साथ बिताए हैं हमने। तू शॉपिंग करने आई है क्या? हाँ, ये मेरी बेटी है चिंकी, इसे जो ड्रेस पसंद आई वो ड्रेस तुम्हारी मिंकी को भी पसंद आई। बोलो अब क्या करें? अरे डोंट वरी, मिंकी की चॉइस हर सेकंड बदलती रहती है। कि चलो उस कॉर्नर में लेटेस्ट डिजाइन वाली ड्रेसेस है। ये सुनते ही मिंकी ने चिंकी के हाथ में वो वाली ड्रेस थमा दी और दूसरे कॉर्नर की तरफ भाग गई। देखा, चल अब मैं चलती हूँ, मिलेंगे और किसी दिन। ऐसा कहकर मिंकी की मम्मी तो निकल गई, लेकिन चिंकी ड्रेस मिलने के बाद भी नाराज खड़ी थी। अब क्या तुम्हारी भी चॉइस बदल गई? नहीं, मुझे यही ड्रेस पसंद है, लेकिन इसको लेकर अभी कितना ड्रामा हुआ यहाँ। ये सुनकर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, लाइफ है तो होता रहता है, कोई भी चीज आसानी से मिल जाए तो क्या मजा। मजा तो कोई भी चीज स्ट्रगल करके हासिल करने में होता है। जाओ ड्रेस ट्राई करो। चिंकी भागते हुए ट्रायल रूम में गई और फटाफट नई वाली ड्रेस पहनकर बाहर आई। नई वाली ड्रेस में चिंकी एकदम परी लग रही थी। परफेक्ट, चलो अब 2-2 प्लेट चाट पकौड़ी खाते हैं और फिर घर चलते हैं, चलें? हाँ, चलो। गेटिंग फोटो क्लिक इन स्टूडियो। आज गट्टू चिंकी कुछ नया करने वाले हैं। गट्टू और चिंकी दोनों भी आईने के सामने चिपक कर खड़े थे। गट्टू ने चिंकी को धक्का मारा। ओहो गट्टू, मुझे लग गया। रुक जाओ थोड़ा, मुझे भी तो तैयार होना है। क्या चिंकी, तुम कब से आईने के सामने खड़ी हो, मुझे थोड़ा भी देखने नहीं दे रही। मेरे बाल तो ठीक है ना? गट्टू और चिंकी की नोक झोंक वाली आवाज सुनकर मम्मी कमरे में आई। गट्टू, चिंकी, ये सब क्या चल रहा है? मम्मी बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? मम्मी, मैं फ्रॉक पहनूं या पंजाबी ड्रेस? ओढ़नी वाला ड्रेस फोटो में ज्यादा अच्छा दिखेगा ना? मम्मी, मैं नीली जीन्स पहनूं या काली जीन्स, बताओ ना मम्मी। तभी पापा तैयार होकर कमरे में आए। गट्टू चिंकी, मम्मी तैयार हुई या नहीं? चलो हमें फोटो स्टूडियो चलना है, हम सबके पासपोर्ट साइज फोटो और एक साथ अच्छे फोटो खिंचवाएंगे। यस पापा, हम तैयार हैं। फिर क्या था, गट्टू और चिंकी मम्मी पापा के साथ फोटो स्टूडियो में फोटो खिंचवाने के लिए काफी एक्साइटेड हो गए और उछलते कूदते ही वो फोटो स्टूडियो पहुँचे। हेलो सर, बताइए आपको किस तरह के फोटो खिंचवाने हैं? गट्टू और चिंकी फोटो स्टूडियो में लगे अलग अलग तरह के फोटो देखकर हैरान हो गए। कई तरह के छोटे बड़े फ्रेम लगे थे जिसमें अलग अलग तरह के पोज लेकर मॉडल खड़े थे। गट्टू देखो ना, कितने सुंदर पोस्टर लगे हैं, मुझे भी ऐसी फोटो खिंचवानी है। मैं भी स्टाइलिश फोटो क्लिक करवाऊंगा और अपने सभी दोस्तों को भी दिखाऊंगा। गट्टू, चिंकी, शांत रहो बेटा। जी हमें सभी के पासपोर्ट साइज फोटो और फिर एक फैमिली फोटो खिंचवानी है। ओके ओके, थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको अंदर बुलाता हूँ। गट्टू चिंकी मम्मी पापा वेटिंग रूम में वेट करने बैठ गए। गट्टू खड़ा हो गया और एकदम स्टाइलिश अंदाज में चिंकी से कहने लगा, चिंकी बताओ ये पोज कैसा लग रहा है, मैं ऐसा ही फोटो लूंगा। चिंकी ने भी अपने आप को फिर से एक बार स्टूडियो में लगे आईने में देखा। गट्टू, ऐसा फोटो नहीं खींचा जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो में केवल तुम्हारा चेहरा दिखेगा और इस तरह की पोज किसी काम का नहीं, चलो बैठ जाओ यहाँ आकर। गट्टू ने अपना मुंह बना लिया और वो पापा के बगल में जाकर बैठ गया। गट्टू और चिंकी अपना फोटो खिंचवाने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि दोनों बैठे बैठे भी अलग अलग तरह के पोजेस बनाने लगे। चिंकी उठ खड़ी हुई और उसने स्टूडियो रूम के अंदर झांक कर देखने की कोशिश की। ओहो, कितना समय लग रहा है, पसीने से मेरा चेहरा बिगड़ जाएगा और मेरा फोटो अच्छा नहीं आएगा। चिंकी बेटा सब्र करो, वो हमें बुलाएंगे, यहाँ आकर बैठ जाओ। फोटोग्राफर बाहर आया और उसने पापा को स्टूडियो रूम के अंदर बुलाया।
अच्छा तो सबसे पहले हम सबके पासपोर्ट साइज फोटो खींच लेंगे, उसके बाद एक फैमिली फोटो होगा। तो सबसे पहले कौन खिंचवाएगा? गट्टू चिंकी हड़बड़ करने लगे। मैं चाहूंगी सबसे पहले। चिंकी मुझे जाना है सबसे पहले। मम्मी कहो ना गट्टू से मुझे जाने दो। चिंकी पहले गट्टू जाएगा, उसके बाद तुम चली जाना। यस। आखिरकार गट्टू को मौका मिल ही गया। गट्टू हरे पर्दे के सामने आकर खड़ा हो गया, लेकिन पीछे मुड़कर उसने पर्दे को देखते हुए कहा, अरे नहीं, क्या हम ये पर्दा बदल सकते हैं? मुझे लाल रंग का पर्दा चाहिए। नहीं, पासपोर्ट साइज फोटो के लिए हरा पर्दा ही ठीक होता है। गट्टू उन्हें उनका काम करने दो। ठीक है, तो सीधे खड़े हो जाओ। गट्टू ने फोटोग्राफर की बात तो सुनी, लेकिन वो पूरे स्टाइल के साथ अपना हाथ अपने पॉकेट में डालकर स्टाइल में खड़ा हो गया, जो देखकर पापा ने अपने माथे पर हाथ मार लिया। गट्टू बेटा सीधे खड़े रहो, पासपोर्ट साइज फोटो निकालना है, एकदम सीधे खड़े रहो, बस सामने देखो और अपने पलके नहीं झपकाना। फोटोग्राफर ने गट्टू का एक फोटो खींचा, लेकिन गट्टू ने अपनी पलके झपकाई और फोटो ठीक से नहीं आया। मुझे फिर से खींचना होगा, बस अपने पलके नहीं झपकाना। इस बार भी गट्टू ने अपनी पलके झपकाई। फोटोग्राफर के कई कोशिशों के बाद आखिरकार गट्टू का पासपोर्ट साइज फोटो निकला। फोटोग्राफर ने लंबी सांस छोड़ी। गट्टू के बाद चिंकी कैमरे के सामने खड़ी हो गई। चिंकी एकदम सीधे सीधे खड़ी हो गई, जो देखकर फोटोग्राफर ने चिंकी से कहा, थोड़ी सी स्माइल करो बेटा। और क्या, चिंकी ने हल्की सी स्माइल दी और चिंकी का सबसे प्यारा फोटो खींच लिया गया। चिंकी के बाद मम्मी पापा का पासपोर्ट साइज फोटो निकाला गया। आप सभी के पासपोर्ट साइज फोटो देख लीजिए, उसके बाद प्रिंट लूंगा। पापा के साथ साथ फोटोग्राफर ने गट्टू चिंकी और मम्मी को भी अपने अपने फोटोग्राफ दिखाए। मुझे मेरा फोटो ठीक नहीं लगा, और एक बार फोटो लीजिए ना। कोई जरूरत नहीं है, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया है, अब हम एक फैमिली फोटो लेंगे। ओके मम्मी। गट्टू चिंकी मम्मी और पापा कैमरे के सामने खड़े हो गए। फोटोग्राफर अंकल अब तो पर्दा बदल लो ना प्लीज। गट्टू के कहने पर फोटोग्राफर ने हरे पर्दे से लाल पर्दा नीचे किया और सबको पोजीशन में खड़े रहने के लिए कह दिया। बीच में मम्मी पापा और दाएं बाएं गट्टू और चिंकी खड़े हो गए। से चीज। फोटोग्राफर ने फोटो क्लिक किया और एक स्माइल के साथ परफेक्ट फैमिली फोटो खिंचा गया। मम्मी पापा प्लीज मुझे अपनी फोटो खिंचवानी है पूरे स्टाइल में, प्लीज एक फोटो खिंचवाने दीजिए ना। अच्छा ठीक है गट्टू, अच्छी पोज में फोटो निकालो और चिंकी तुम भी फोटो खिंचवाओ। ये गट्टू और चिंकी ने वेटिंग रूम में लगे पोस्टर ध्यान से देखे और गट्टू ने स्टाइलिश अंदाज में पोज दिया और कैमरा के सामने खड़ा हो गया। गट्टू ने अपने हाथ पॉकेट में डाले, एक पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए एक प्यारी सी स्माइल कैमरे को दी। फोटोग्राफर ने गट्टू की फोटो खींची। वाह गट्टू क्या सही पोज दिया है, मैं भी इसी तरह से खिंचवाती हूँ। अरे नहीं चिंकी तुम अलग पोज दो। चिंकी नाक फुफकारते हुए कैमरे के सामने खड़ी हो गई। फूला हुआ मुंह लेकर फोटोग्राफर तो फोटो निकालने ही नहीं वाला था। चिंकी बेटा तुम्हें फोटो नहीं निकालना है क्या, स्माइल करो पोज दो। लेकिन फिर भी चिंकी बिल्कुल नहीं हंसी और पोज भी नहीं दिया। और अब गट्टू कैमरे के पीछे से चिंकी को देखकर अजीब अजीब हरकतें करने लगा, अपने हाथों से चिंकी को चिढ़ाने लगा। इस तरह से जोकर की तरह हरकत देखकर चिंकी की हंसी छूटी और फोटोग्राफर ने उसी तरह से चिंकी का फोटो खींच लिया और चिंकी की बड़ी ही प्यारी फोटो फोटोग्राफर को मिली। वेरी नाइस फोटो। देखा अंकल आपको चीज कहने की भी जरूरत नहीं पड़ी। गट्टू विजिट ए फार्म। गट्टू के पापा के बहुत 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 दोस्त थे और उनके सभी दोस्त उनके घर आया जाया करते थे, इसलिए गट्टू चिंकी की पापा के सारे दोस्तों के साथ काफी अच्छी दोस्ती हुई थी। पापा के दोस्त जब भी आते तो खाली हाथ नहीं आते थे, गट्टू चिंकी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर आया करते थे, जैसे कि ढेर सारे चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स और भी बहुत कुछ। एक संडे की बात है, गट्टू चिंकी और पापा तीनों को छुट्टी थी, इसलिए सब काफी रिलैक्स बैठे थे। तभी पापा बोले, बच्चों तैयार हो जाओ, तुम्हारे मनीष अंकल आ रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी बहुत 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 खुश हुए और नाचने लगे।
ये बा अदब बा मुलायजा होशियार हमारे प्यारे प्यारे मनीष अंकल पधार रहे हैं। गट्टू ने मनीष अंकल के आने की खबर रॉयल अंदाज में सुनाई और मनीष अंकल की एंट्री हुई। अरे किसान हूँ भाई, कोई राजा महाराजा नहीं। अंकल के हाथ में उनके फार्म से लाई हुई सब्जियाँ और फ्रूट्स थे। भाई मनीष, तुम हमारे लिए किसी राजा महाराजा से कम थोड़ी हो। अरे जब भी आते हो हमारे लिए फार्म से फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ और फ्रूट्स लाते हो। अब इतना बड़ा दिल और शहर के किनारे इतना बड़ा फार्म तो किसी राजा महाराजा का ही हो सकता है। ये सुनकर मनीष अंकल के साथ साथ मम्मी भी हंसने लगी और फिर मम्मी ने मनीष अंकल से सारा सामान ले लिया और वो अंदर चली गई। हॉल में पापा और गट्टू चिंकी मनीष अंकल के साथ बैठकर बातें करने लगे। दरअसल मनीष अंकल इंजीनियर थे लेकिन साथ साथ खेती भी करते थे। शहर के किनारे ही उनकी लंबी चौड़ी जमीन थी। बताओ गट्टू चिंकी, कब चलना है अपना फार्म देखने? जब आप ले चले। अरे मनीष, ये दोनों तो कब से तैयार बैठे हैं। तुम्हें जब वक्त हो तो दोनों को फार्म घुमा लाओ। अरे तो आज ही चलो, क्योंकि मेरे पास आज वक्त ही वक्त है। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी नाचने लगे। ये हम फार्म जाएंगे, हम फार्म जाएंगे। फिर गट्टू चिंकी फटाफट रेडी हो गए और मनीष अंकल के साथ उनकी कार में बैठकर उनके फार्म की तरफ निकल पड़े। जैसे ही गट्टू चिंकी ने जमीन पर कदम रखा, उन्हें फ्रेश फ्रेश हवा और नेचर की शांति का एहसास हुआ। वाओ, ऐसा फ्रेश ऑक्सीजन और ऐसी शांति शहर में कभी मिल ही नहीं सकती। अंकल, आपका फार्म कहाँ है? वो देखो सामने। गट्टू चिंकी ने सामने देखा तो वो देखते ही रह गए। सामने ऐसी हरियाली और उस हरियाली के बीच ऐसा खूबसूरत फार्म हाउस था जिसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता था। गट्टू चिंकी ने फार्म देखा और वो फार्म की तरफ भागने लगे। तभी उन्हें किसी कुत्ते के भौंकने की जोरदार आवाज आई। गट्टू चिंकी ने देखा कि कुत्ता भौंकते हुए उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। कुत्ते को देखकर चिंकी जोर से चिल्लाई, ओह मैजिक! गट्टू देखो, हमारा मैजिक कितना बड़ा हो गया है। और दोनों मैजिक को पुकारते हुए दुगुनी रफ्तार से मैजिक के पास आए। मैजिक दोनों को चाटने लगा। गट्टू चिंकी ने उस पर प्यार बरसाया और खास उसके लिए लाए हुए बिस्किट उसे खिलाया। दरअसल मैजिक गट्टू चिंकी का ही डॉगी था। जब वो छोटा था तब पापा उसे लेकर आए थे। मम्मी को डॉगी पसंद नहीं है, इसीलिए मनीष अंकल मैजिक को अपने फार्म हाउस लेकर आए थे। मैजिक अब काफी बड़ा हो गया था और फिर भी उसने गट्टू चिंकी को पहचान लिया था। फिर गट्टू चिंकी, मैजिक और मनीष अंकल चारों फार्म घूमने लगे। मैजिक सबसे आगे था, मानो वो गट्टू चिंकी को पूरा फार्म दिखा रहा था। गट्टू चिंकी, मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ लेकिन मैजिक फार्म छोड़कर कहीं नहीं जाता। फार्म की देखभाल और सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी मैजिक पर है। फिर गट्टू चिंकी ने सब्जियों के खेत देखे जिसमें टमाटर, गोभी, पालक और गाजर के खेत थे। गट्टू चिंकी ने एक एक लाल गाजर जमीन से निकाला और पानी की बहती धारा में उसे अच्छे से धोकर खाने लगे और खाते खाते बातें भी होने लगी। वाओ अंकल, ऐसा लग रहा है मैं गाजर नहीं नेचर टेस्ट कर रहा हूँ। सच में क्या फ्रेशनेस है, क्या स्मेल है, क्या स्वीटनेस है। हम जब मार्केट से कैरेट लाते हैं उनमें ऐसा स्वाद नहीं होता। उसके दो कारण हैं। एक तो वो उतने फ्रेश नहीं होते और दूसरा महत्वपूर्ण कारण, वो केमिकल्स का यूज करके उगाए जाते हैं, जैसे कि कीटनाशक और रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके। लेकिन हमारे फार्म में सब कुछ 100% ऑर्गेनिक है। कंपोस्ट जैसे खाद फार्म में ही निर्माण किए जाते हैं और सारे प्लांट्स को दिए जाते हैं, उसी का कमाल है ये। फिर गट्टू चिंकी ने कंपोस्ट का प्लांट देखा। उसके बाद उन्होंने फार्म में अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी देखे, जिसमें एक था डेयरी डिपार्टमेंट जिसमें बहुत सारी गाय और भैंस थी। उनका दूध निकालकर प्रोसेस होती थी वहाँ। यहाँ कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। गाय को जो चारा खिलाया जाता है उससे दूध मिलता है और चारे का जो गोबर बनता है उससे कंपोस्ट बनता है। फिर उन्होंने एक डिपार्टमेंट देखा जिसमें बहुत सारी मुर्गियां थी, वो फार्म को अंडे देने का काम करती थी। फिर गट्टू चिंकी ने फिश डिपार्टमेंट देखा। एक बहुत बड़ा अंडे का आकार वाला तालाब बनाया गया था। उसमें बहुत सारा फ्रेश पानी था और उसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी।
इस प्रकार गट्टू चिंकी ने मैजिक और मनीष अंकल के साथ घूमकर फार्म का एक एक कोना देखा। फिर उन्होंने वही अंकल और मजदूरों के साथ बैठकर लंच किया। लंच में जवार की भाकरी, मेथी की हरी सब्जी और साथ में फ्रेश प्याज, गाजर, मूली, हरी मिर्ची और अलग अलग प्रकार की चटनियाँ भी थी। वाह, ऐसा लंच मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। सच में सब कुछ अद्भुत है यहाँ। फिर गट्टू चिंकी ने थोड़ी देर फार्म हाउस में आराम किया। फार्म हाउस ब्यूटीफुल फार्म में बसा एक काफी खूबसूरत और आलीशान घर था, जिसमें शहर वाली सारी सुख सुविधाएं थी। फिर गट्टू चिंकी ने फार्म के मजदूरों के साथ घूम घूम कर उनका काम समझा और साथ साथ उनके साथ ढेर सारी बातें भी की। और देखते देखते शाम हो गई। अब बारी आई थी फार्म छोड़ने की। गट्टू चिंकी और मनीष अंकल कार की तरफ बढ़ने लगे तो मैजिक भी पीछे पीछे आने लगा। मैजिक, तुम हमारे पीछे मत आओ, हम अब जा रहे हैं, लेकिन डोंट वरी, हम अगले संडे फिर आएंगे। ये सुनकर मैजिक वापस फार्म हाउस की तरफ भाग गया और गट्टू चिंकी कार में बैठकर शहर की तरफ निकल पड़े। गट्टू इन क्रूज। गट्टू चिंकी ने जमीन पर सफर किया था, हवा में सफर किया था, लेकिन बेचारे गट्टू चिंकी ने पानी पर सफर ही नहीं किया था। पापा, आपने हमें ट्रेन में सफर करवाया, एयरप्लेन में सफर करवाया, लेकिन शिप तो छूट ही गया। पापा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम तो अभी बहुत छोटे हो। मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन मैंने भी अब तक किसी शिप में सफर नहीं किया। पानी में सफर? ना बाबा ना, पानी से मुझे बहुत डर लगता है। देखो बच्चों, तुम्हारी मम्मी पानी से डरती है, फिर हम किसी क्रूज में बैठकर दिन रात समुंदर की यात्रा कैसे करें? बोलो। ये सुनकर बेचारे गट्टू चिंकी की आंखों में पानी आ गया। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। गट्टू चिंकी पानी में सफर करने की बात भूल भी गए। और एक दिन जब दोनों स्कूल से लौटे तो मम्मी पापा ने उनके सामने जोरदार धमाका किया। अरे अरे नहीं नहीं, असली वाला धमाका नहीं। कौन सा धमाका वो आप खुद सुन लो। बच्चों, अगले चार दिन हम चारों में से कोई भी ना तो जमीन पर चलेगा, खाएगा, सोएगा और ना ही कुछ करेगा। चिंकी बेचारी चिंतित होकर बोली, क्या बात है पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत बिगड़ी नहीं है बेटा, तबीयत सुधरने वाली है। हाँ, क्योंकि हमारी समंदर में यात्रा होने वाली है। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। क्या कहा आपने, हमने कुछ गलत सुना क्या? बिल्कुल सही सुना तुमने, हम चार दिन एक आलीशान क्रूज में बैठकर दिन रात समंदर की यात्रा करने वाले हैं। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाचने लगे और नाचते नाचते अपने पापा को बिलक गए। मम्मी मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हें क्या लगा हमारा सपना नहीं है तुम्हारे साथ पानी में सफर करने का? बस पापा का बजट नहीं था इसलिए मैंने डर का बहाना बनाया, लेकिन अब पापा का बजट बन गया है, अब मुझे पानी से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हम सब क्रूज में जाएंगे और रात दिन पानी का सफर एंजॉय करेंगे। ये! और आ ही गया वो दिन जिसका था गट्टू चिंकी को बेसब्री से इंतजार। दूसरे दिन सुबह ही गट्टू चिंकी बोर्डिंग टाइम से कुछ घंटे पहले ही टैक्सी में बैठकर पोर्ट पहुंचे। गट्टू चिंकी पहली बार जहाजों का स्टेशन यानी पोर्ट एक्सपीरियंस कर रहे थे। पोर्ट काफी विशाल था, वहाँ छोटे मोटे जहाज और सैकड़ों लोग थे, बहुत मजा आ रहा था। अब हम अपनी क्रूज कंपनी की बस में बैठकर क्रूज तक पहुँचेंगे। फिर चारों एक बस में बैठ गए और बस ने उन्हें क्रूज के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्रूज इतने विशाल, इतनी महाकाय थी कि वो गट्टू चिंकी की छोटी छोटी आंखों में समा ही नहीं रही थी। गट्टू काफी एक्साइटेड था, लेकिन क्रूज देख कर चिंकी थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा, क्रूज मतलब पानी पर तैरने वाला आलीशान होटल। अब देखो, तुम अभी डर रही हो, लेकिन अंदर जाते ही तुम सब कुछ भूल जाओगी। और वही हुआ। गट्टू चिंकी, मम्मी पापा और काफी सारे लोग जब क्रूज में आकर घूमने लगे तो ऐसा लग रहा था कि वो सब किसी ऐसी दुनिया में आ पहुँचे हैं जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रिच है। अंदर क्रूज का पूरा इंजीनियर डेक, कमरे, सब कुछ ऐसा था मानो किसी 5-स्टार होटल का नजारा हो। वाओ, क्या रौनक है यहाँ। चार दिन नहीं, मैं तो यहाँ पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। हमारा कमरा ओशियन व्यू वाला है,
आओ मेरे पीछे, मैं तुम्हें एक कमाल दिखाता हूँ। ऐसा कहकर पापा ने एक पर्दा हटाया तो कांच से समंदर का काफी खूबसूरत और बढ़िया सा व्यू नजर आया। सब लोग वो नजारा देखने में खो गए थे कि अचानक सब हिलने लगे मानो भूकंप आया हो। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक। गट्टू तुम भूल गए, हम जमीन पर नहीं है बेटा, पानी पर खड़े हैं। और ये भूकंप नहीं है, क्रूज हिल रही है क्योंकि हमारा सफर शुरू हुआ है। ये! अब क्रूज का सफर शुरू हो और सब लोग कमरे में चुपचाप बैठे रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब लोग अपने अपने कमरे से निकलकर हल्का हल्का हिलते डुलते हुए क्रूज में भटकने लगे और इंजॉय करने लगे। क्रूज में काफी सारे डेक थे, गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ अलग अलग डेक जाकर समंदर का ओपन व्यू देख रहे थे। चारों तरफ बस समंदर का नीला पानी था। शाम हो चुकी थी, ठंडी ठंडी तेज हवा लहरों को छूकर गट्टू चिंकी को गुदगुदी कर रही थी। सब कुछ खुला खुला, कहीं भी जमीन का नामो निशान नहीं था। क्रूज पर स्विमिंग पूल भी था जिसमें कुछ लोग मस्ती कर रहे थे, बाकी भी बहुत सारे फन एलिमेंट्स थे। तभी रात हो गई और क्रूज की चमक धमक और ज्यादा बढ़ गई। चारों तरफ क्रूज पर बस लाइट सी लाइट टिमटिमा रहे थे और क्रूज के चारों तरफ काला घना समंदर का गहरा पानी था। फिर मम्मी पापा गट्टू के साथ क्रूज के अंदर की दुनिया में आए। वहाँ बहुत बड़ा होटल था, सबने मिलकर डिनर किया। खाना काफी स्वादिष्ट और वैरायटी बाज था। फिर सब लोग थिएटर में गए। मुझे तो आज ही पता चला कि शिप में थिएटर भी होता है। सब लोगों ने थिएटर में डांस और म्यूजिक का प्रोग्राम एंजॉय किया। फिर पापा ने सबको क्रूज के और पार्ट्स भी दिखाए जिसमें जिम, लाइब्रेरी, शॉपिंग मॉल और भी बहुत कुछ था। ये सब देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये क्रूज नहीं, समंदर के पेट में सफर करने वाली मछली है और उसके पेट में ये इतनी शानदार दुनिया बसी हुई है। ये सुनते ही पापा बोले, अरे चलो मुझे तुम्हें कुछ काफी इंटरेस्टिंग दिखाना है। फिर पापा फिर से सबको लेकर एक ऐसे डेक पर आए जहाँ से समंदर का सामने वाला नजारा काफी विशाल दिख रहा था। पापा आप क्या दिखाने लाए हो हमें यहाँ? कुछ मत बोलो, बस चारों तरफ ध्यान से देखते रहो। गट्टू चिंकी शांति से इधर उधर देखने लगी, तभी अचानक गट्टू चिल्लाया, अरे वो देखो डॉल्फिन! समंदर के काले गहरे पानी में से सफेद सफेद सिल्वर सिल्वर चमकीले डॉल्फिन ऊपर छलांग मार रहे थे और वापस पानी में गायब हो रहे थे, मानो वो उछल उछल कर गट्टू चिंकी के क्रूज का स्वागत कर रहे थे। और क्रूज उन डॉल्फिन के बीच से रास्ता बनाती हुई बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी और बढ़ती ही जा रही थी। गट्टूज न्यू हेयर कट। हर किसी पे हर वक्त किसी ना किसी बात का भूत सवार रहता है। गट्टू पर भी बाल बढ़ाने का भूत सवार हो चुका था। गट्टू बाल काफी बढ़ गए हैं, हेयर कट कर लो। बेटा तुम्हें लंबे बाल सूट नहीं करते, हमें वही हेयर स्टाइल करनी चाहिए जो हमें सूट हो। गट्टू बेचारा नाराज हो गया, वो अपने बाल नहीं काटना चाहता था। गट्टू घर आया तो उसने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, लेकिन चिंकी वो कहाँ चुप रहने वाली थी। घर आते ही उसने गट्टू की चुगली कर दी। पापा मिश्रा सर ने गट्टू को बाल काट कर आने को कहा है कल। अरे मैं भी तो कब से समझा रहा हूँ इसे, लेकिन ये माने तब ना, इसकी मम्मी भी बस इसकी ही साइड लेती है। नहीं मिश्रा सर ने कहा है तो अब मैं गट्टू की साइड नहीं लूंगी। गट्टू अब तुम्हें बाल काट ही लेने चाहिए। ये सुनकर गट्टू को रोना आ गया। नहीं मम्मी आप देख रही हो ना, मैं कितने दिनों से बाल बढ़ा रहा हूँ, फिर ऐसे अचानक कैसे काट दूँ? मुझे उस फिल्म के हीरो जैसे बाल रखने हैं, आपने देखा था ना जब वो घोड़े पर बैठकर विलेन के पीछे भाग रहा था, तब उसके बाल कैसे हवा में लहरा रहे थे। बेटा वो फिल्म है, रील और रियल की दुनिया में बहुत फर्क होता है। बढ़े हुए बाल स्कूल और सोसाइटी में अच्छा इम्पैक्ट नहीं देते हैं। हमें डिसेंट हेयर स्टाइल रखनी चाहिए जो हमारी पर्सनैलिटी को सूट करे। मिश्रा सर भी यही कह रहे थे। गट्टू उदास अपने रूम में बैठा था क्योंकि पापा उसे हेयर कट करवाने ले जाने वाले थे। गट्टू उदास क्यों होते हो, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। तुम ऐसे तुम्हारे बाल यहाँ बड़े रख सकते हो। चिंकी ये तुमने कैसे किया,
मुझे ऐसे ही तो हेयर्स चाहिए थे, कितना अच्छा लगूंगा मैं ऐसे बालों में। ये है 3D Bear App का नया फीचर, जिसमें हम अपना खुद का अवतार बना सकते हैं। तुम बस अपनी फोटो खींचो, एक्सेसरीज सिलेक्ट करो और अपना खुद का अवतार बनाओ। तो अभी डाउनलोड करो 3D Bear App और बनाओ अपना AR वर्ल्ड। और फिर पापा शाम को गट्टू को लेकर एक सैलून में आए। गट्टू का वहां बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वह अपने बालों को पकड़कर एक कोने में दुखी बैठा था। उसके लंबे बाल किसी भी समय उससे कटकर अलग होने वाले थे। तभी काफी बूढ़ा दिखने वाला बार्बर गट्टू के पास आकर बोला, चलो बेटा हेयर कट करना है ना। बार्बर को देखकर गट्टू और ज्यादा दुखी हो गया। उसे लगा कि इस बार्बर की उम्र काफी ज्यादा है, फिर वो गट्टू की फीलिंग्स को कैसे समझेगा। वह तो किसी पुरानी स्टाइल में उसके बाल काट देगा और फिर सब उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन वह बार्बर काफी कूल और स्मार्ट था। वाओ, तुम्हारे बालों का टेक्सचर काफी अच्छा है, तुम्हारे बाल भी लंबे हैं। लंबे बालों का फायदा ये है कि मैं उन्हें अच्छा सा शेप देकर अच्छा सा हेयर स्टाइल तुम्हें दे सकता हूँ, जो तुम पर सूट भी करेगा और सबको इम्प्रेस भी करेगा। ये सुनकर गट्टू अंदर से काफी खुश हो गया। फिर बार्बर ने कैंची चलाई और गट्टू के बाल नीचे गिरने लगे और देखते देखते एक बढ़िया सा हेयर कट गट्टू को मिल गया। अपना नया लुक मिरर में देखकर गट्टू बहुत खुश था। वाओ, ये हेयर कट तो उन लंबे बालों से भी अच्छा है। थैंक्स अंकल, मुझे लगा था आप मुझे कोई पुराना वाला हेयर कट दे दोगे, लेकिन आपने मुझे काफी यूनिक हेयर कट दिया है। इस हेयर कट का नाम क्या है? इसका कोई नाम नहीं है और ना ही ये मैंने पहले कभी किसी पे ट्राई किया है। तुम पहले हो जिसको ये हेयर स्टाइल मिला है, तुम ही बताओ क्या नाम रखे इसका। ये हेयर कट देखकर मैं एकदम क्रेजी फील कर रहा हूँ। क्या हम इसका नाम क्रेजी कट रखें? वाओ, क्रेजी कट, आज ही मैं इसे अपनी लिस्ट में ऐड कर लेता हूँ। गट्टू का हेयर कट पापा को भी बहुत पसंद आया। पापा बार्बर से बोले, कमाल कर दिया आपने, गट्टू तो हेयर कट करना ही नहीं चाहता था और अब देखो कितना खुश है। गट्टू, हर किसी के लिए एक ऐसी हेयर स्टाइल होती है जो बस उसे ही सूट करती है, क्योंकि हर कोई यूनिक होता है। इसलिए किसी की कॉपी करने से अच्छा है जो हमें सूट करे हम वही करें। मम्मी ने गट्टू का हेयर कट देखा तो वो भी खुश हो गई। वाओ, तुम काफी कॉन्फिडेंट, स्मार्ट और चार्मिंग दिख रहे हो। मजा तो तब आया जब गट्टू अगले दिन अपनी क्लास में एंटर हुआ। गुड्डी, हरी, बंटी और पूरी क्लास बस गट्टू की तरफ ही देख रही थी। गट्टू को एकदम स्पेशल फील हो रहा था। वाओ गट्टू, नाइस हेयर स्टाइल। थैंक्स यार। गट्टू, क्या नाम है इस कट का? क्रेजी कट। और गट्टू क्रेजी तो तब हुआ जब उसकी क्रेजी कट की तारीफ खुद मिश्रा सर भी करने लगे। वाओ गट्टू, ये हेयर स्टाइल तुम्हें बहुत सूट कर रही है। बाल अभी भी थोड़े लंबे हैं, लेकिन ये तुम पर सूट हो रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू बहुत खुश हुआ। वह अपनी नई हेयर स्टाइल से काफी खुश था। लेकिन बेचारा बंटी गट्टू का हेयर स्टाइल और उसकी हो रही तारीफ देखकर अंदर से काफी बेचैन हो रहा था। दोपहर की छुट्टी में उसने गट्टू से पूछा, गट्टू मुझे तुम्हारे बार्बर का एड्रेस बताओ, मुझे भी सेम तुम्हारे जैसा हेयर स्टाइल करना है। बिल्कुल मत करो, मेरे बार्बर ने कहा है हमें वही स्टाइल रखना चाहिए जो हम पर सूट करे। मुझे लगता है मेरा ये हेयर स्टाइल तुम पर सूट नहीं करेगा। जो तुम पर सूट हो तुम वही ट्राई करो। अच्छा, समझ गया, तुम चाहते हो कि बस तुम्हारी ही तारीफ हो। मैं तुम्हारे जैसा हेयर कट करूँगा तो तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, इसीलिए इतना ड्रामा कर रहे हो ना तुम। नहीं बंटी, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने बार्बर का एड्रेस दे देता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। और दूसरे दिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बंटी भी गट्टू की तरह क्लास में क्रेजी कट करके एंटर हुआ। जैसे ही वो क्लास में आया सब उसकी तरफ ही देखते रहे और फिर एकदम से हंसने लगे।
क्योंकि वो हेयर स्टाइल बंटी पर बिल्कुल फुलिश लग रहा था। बंटी ये क्या करके आ गया, ये तुम पर नहीं बस गट्टू पर ही सूट हो रहा है। मिश्रा सर ने भी बंटी का नया लुक पसंद नहीं किया और फिर बंटी दोपहर की छुट्टी में गट्टू के पास आकर बोला, सॉरी यार गट्टू, तुम ठीक कह रहे थे, बार बार भी मुझे समझा रहा था लेकिन मैं नहीं माना और मेरा जोक बन गया। अब समझे, हमें वही करना चाहिए जो हमारा हो, नकल करने से कोई फायदा नहीं होता। मैं भी ये बात पहले नहीं समझ पा रहा था लेकिन मेरे बार्बर ने मुझे समझा दी, अब तुम भी समझ जाओ और शाम को जाकर अपना हेयर स्टाइल ठीक करके आओ। इस पर बंटी शर्मिंदा हो गया और उसने कभी गट्टू की नकल ना करने का ठान लिया। किताबें वर्सेस खिलौने। बच्चे काफी जिज्ञासु होते हैं, उनके मन में हमेशा क्यूरोसिटी रहती है, इस कमरे में क्या है, उस संदूक में क्या है, पता लगाए बगैर उन्हें चैन ही नहीं मिलता। गट्टू चिंकी भी वैसे ही थे। दादी की पुरानी संदूक हो या फिर ताला लगाया हुआ घर का कोई कमरा, देखते ही उनकी जासूसी शुरू। संडे का दिन था, गट्टू चिंकी कार्टून देख रहे थे कि तभी अचानक लाइट चली गई। शिट यार, लाइट चली गई, अब क्या करे, बाहर चले। बाहर मौसम ठीक नहीं है, ना धूप है ना ठंड है, बिन मौसम बरसात के बादल इधर उधर फुदक रहे हैं। कौन सा मौसम चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जो भी है काफी खराब मौसम है, मम्मी ने बाहर जाने के लिए मना किया है। हाँ, बाहर तेज ठंड हवा चल रही है, कभी धूप निकल रही है तो कभी हल्की हल्की बरसात, ऐसे माहौल में कहीं हम बीमार ना पड़ जाएं, इसीलिए मम्मी ने मना किया होगा। हाँ लेकिन अब घर में बैठे बैठे क्या करेंगे। चलो मम्मी पापा के कमरे में चलते हैं, वहाँ हमें टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। मम्मी हमसे छिपाकर उनकी अलमारी में बहुत कुछ रखती है, पता है, तो फिर तो चलना चाहिए। फिर क्या, गट्टू चिंकी भागते हुए मम्मी पापा के कमरे में पहुँचे। वहाँ जाकर उनकी जासूसी शुरू हुई, अलमारी खोलकर देखने लगे, ड्रॉअर खोलकर देखने लगे, लेकिन फिर भी उनके हाथों कुछ खास नहीं लगा। तभी गट्टू की नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। ये पापा की अलमारी थी, कुछ दिनों पहले ही गांव से लाई गई थी। अलमारी के दो अलग अलग दरवाजे थे, दोनों दरवाजे बाहर से लॉक थे। मैंने मम्मी से काफी बार इस अलमारी की चाबी मांगी लेकिन वो बोली कि इसमें पापा का जरूरी सामान है, पापा की परमिशन के बगैर नहीं खोल सकते। गट्टू ने काफी ध्यान से अलमारी देखी। काफी पुरानी और अजीब सी अलमारी है, दो अलग अलग दरवाजे और दोनों ही बाहर से लॉक, मतलब अंदर जरूर दो अलग अलग कंपार्टमेंट होंगे। आज पापा भी घर पर है, चलो आज देख ही लेते हैं कि इस अलमारी में ऐसा क्या है। गट्टू चिंकी भागते हुए पापा के पास पहुँचे और उन्होंने पापा से अलमारी की चाबी मांगी। पापा दो ना, हमें देखना है क्या है उस अलमारी में। बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर पापा मस्ती के मूड में आ गए। चाबी जरूर मिलेगी लेकिन एक शर्त है। वो क्या? चलो अलमारी के सामने। पापा दोनों को अलमारी के सामने लेकर आए। तुमने देखा, अलमारी को दो अलग अलग दरवाजे हैं और दोनों बाहर से लॉक है, मतलब अंदर दो कंपार्टमेंट है और दोनों में से मेरे बचपन का काफी कीमती खजाना है। खजाना? वाओ। हाँ, वो सारा खजाना मैं तुम दोनों को दे दूंगा, लेकिन पहले तुम दोनों को दोनों कंपार्टमेंट में से कोई भी एक कंपार्टमेंट को चुन लेना है, जो जिस कंपार्टमेंट को चुनेगा उसके अंदर का सारा खजाना उसका। लेकिन अंदर क्या है ये जाने बिना ही हम कैसे चूज करें? यही तो मेरी पहली और आखिरी शर्त है। बेचारे गट्टू चिंकी मजबूर थे, उन्हें पापा की बात माननी ही पड़ी। मैं इस दरवाजे के सामने खड़ा रहता हूँ, लेफ्ट साइड मेरे लिए लकी है, मैं उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ। अब बचा राइट साइड वाला, ये दरवाजा मेरा। पक्का? सोच लो। अब आप कुछ मत बोलो, बस खोलो, बस खोलो। फिर पापा ने गट्टू वाला दरवाजा खोला तो अंदर बस किताबें ही किताबें भरी पड़ी थी। किताबें देखकर बेचारा गट्टू नाराज हो गया। ओह गॉड, मुझे किताबें नहीं चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। पापा ने चिंकी वाला दरवाजा खोला तो अंदर काफी सारे खिलौने निकले। ये!
ये किताबें और खिलौने ही मेरे बचपन का काफी कीमती खजाना है, जिसने मेरे बचपन को चार चांद लगा दिए थे। आज से ये खजाना तुम्हारा, संभालो, मैं तो चला। ऐसा कहकर पापा निकल गए। मुझे पुराने जमाने के सारे क्लासिक टॉयज मिल गए और तुम्हें ये फटी पुरानी किताबें। गट्टू किताबें मिलने पर और चिंकी को ढेर सारे खिलौने मिलने पर अंदर से काफी दुखी था, लेकिन उसने अपना दुख चिंकी को दिखाया नहीं। तुम कुछ ही दिनों में उन खिलौनों से बोर हो जाओगी, लेकिन मैं किताबें पढ़कर कभी बोर नहीं होऊंगा। स्टोरी बुक्स है सारी, उड़ता घोड़ा, परी कथाएं, जादुई जंगल, बाप रे बाप, मैजिक का खजाना है ये तो। पढ़ो तुम, मेरे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं। चाबी का भालू है, टमरू है, लकड़ी का ट्रैक्टर है, ये सारे मैं अकेले ही खेलूंगी। मैं भी तुम्हें एक भी कहानी पढ़ने नहीं दूंगा। इस प्रकार खिलौने और किताबों में जंग छिड़ गई। गट्टू अपने रूम में जाकर परी कथाएं पढ़ने लगा और चिंकी गैलरी में जाकर अपने खिलौने खेलने लगी। आधा घंटा दोनों अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त रहे, लेकिन आधे घंटे बाद ही चिंकी खिलौने खेल कर बोर हो गई, क्योंकि उसे अकेले खेलने की आदत ही नहीं थी। इधर गट्टू परी की स्टोरी एंजॉय कर रहा था, उसे बहुत मजा भी आ रहा था। लेकिन फिर गट्टू सोचने लगा, कितनी अनोखी परी की कहानी है ये, चिंकी सुनती तो उसे भी बड़ा मजा आता। तभी चिंकी अपने सारे खिलौने लेकर उसके पास आई। अकेले खेलने में बोर हो रही हूँ, तुम भी मेरे साथ खेलो। और मुझे भी अकेले स्टोरी पढ़ने में मजा ही नहीं आ रहा, चलो मैं तुम्हें ये परी की काफी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। अरे वाह, मुझे परी कथाएं बहुत पसंद है। एक काम करते हैं, पहले ये स्टोरी एंजॉय करते हैं, फिर खिलौने खेलेंगे। फिर दोनों ने कहानी एंजॉय की और उसके बाद दोनों पापा के अनोखे खिलौने खेलने लगे। दोनों को एक साथ देखकर पापा भी खुश हो गए। बच्चों, मैंने बस मस्ती की थी तुम दोनों के साथ। मैं देखना चाहता था कि किताबें पाकर कौन क्या करता है और खिलौने पाकर किसकी क्या रिएक्शन आती है। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें खेलने के साथ साथ किताबें पढ़ना भी पसंद है। पापा, किताबें ज्यादा इम्पोर्टेंट है या खिलौने? बेटा, बच्चों के लिए दोनों भी सेम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खिलौनों से मनोरंजन होता है और किताबों से मनोरंजन के साथ साथ नॉलेज भी बढ़ता है। किताबें हमें नई नई दुनिया के दर्शन करवाती है, जिससे हमें अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस मिलते हैं। इसलिए खेलने के साथ साथ किताबें भी पढ़ो और आगे बढ़ो। ये सुनकर गट्टू चिंकी खुश हो गए और उन्होंने अपने पापा को गले लगा लिया। नीतू दीदी, घर में मेहमान आ जाए तो बच्चे सबसे ज्यादा खुश होते हैं, झट से उनके साथ दोस्ती कर लेते हैं। गट्टू चिंकी के घर भी एक मेहमान आने वाला था। एक शाम गट्टू चिंकी रिमोट के लिए झगड़ रहे थे। चिंकी, रिमोट मुझे दो, मुझे कार्टून देखना है। नहीं, मुझे डिस्कवरी देखना है। रिमोट देती हो या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। और फिर रिमोट की खिंचाई शुरू। गट्टू चिंकी झगड़ रहे थे, तभी बाहर से पापा आए। पापा, ये रिमोट छीन रहा है। अरे अरे, झगड़ा मत करो, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। नीतू, अंदर आओ बेटा। गट्टू चिंकी रिमोट भूलकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। पापा के पीछे एक लड़की अंदर आई। गट्टू चिंकी उस नई मेहमान को देखते रह गए। गट्टू चिंकी, पहचाना? हाय गट्टू चिंकी। हाय। हेलो। जरा बताओ तो कौन है? दोनों ने काफी सोचा, फिर भी वो नहीं पहचान पाए। पापा बताने ही वाले थे कि तभी मम्मी बोली, नीतू चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ, फ्रेश होकर कुछ खा लो, चलो। मम्मी नीतू दीदी को अंदर ले गई। बेचारे गट्टू चिंकी की ठीक से पहचान भी नहीं हो पाई। मम्मी हमेशा ऐसा ही करती है, हमें बात तक नहीं करने देती है। पापा बताओ ना, कौन है वो? अरे तुम्हारी ममता बुआ है ना, उनकी छोटी बेटी है, मतलब तुम्हारी कजिन है। वो बचपन से ही नागपुर में अपने चाचा जी के यहाँ रहती थी, इसलिए तुम लोगों ने उसे देखा नहीं। कल उसकी सीईटी एग्जाम है, इसलिए आइए हमारे शहर। ऐसा कहकर पापा चले गए और गट्टू चिंकी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चलो नीतू दीदी से मिलकर आते हैं। हाँ हाँ चलो। गट्टू चिंकी गेस्ट रूम की तरफ भागने लगे कि तभी अचानक उनके सामने मम्मी आकर रुक गई। क्या? कुछ भी तो नहीं। कहाँ भागे जा रहे हो?
गट्टू चिंकी मम्मी का इशारा समझ गए और उन्होंने बात ही पलट दी। हम पानी पीने जा रहे थे किचन में। मैं जानती हूँ तुम नीतू के कमरे में जा रहे हो, लेकिन खबरदार आज उसे परेशान किया तो। कल उसका एग्जाम है, उसे पढ़ना है, चलो यहाँ से। मम्मी ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। अब क्या करे, वो पढ़ाई कर रही है। अरे दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत है मम्मी। आइडिया, हम अपनी किताबें लेकर दीदी के कमरे में जाते हैं। मम्मी आ गई तो वो सोचेंगी कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, फिर वो हमें कुछ नहीं कह पाएंगी। चलो। दोनों अपने कमरे में गए और जो किताब मिली वो उठाकर चुपचाप नीतू के कमरे में चले आए। नीतू दीदी चश्मा लगाकर एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उन्होंने गट्टू चिंकी की तरफ देखा भी नहीं। बेचारे गट्टू चिंकी क्या करते, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि दीदी से बात कैसे शुरू करें। ये दीदी तो बड़ी ही खड़ूस है, देख भी नहीं रही। धीरे बोलो, वो सुन लेंगी। तभी मम्मी आई और गट्टू चिंकी मुसीबत में पड़ गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? गट्टू ने अपनी किताब दिखाई। हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये देखो किताब। मम्मी ने गट्टू की किताब देखी। बेटा नाटक की प्रॉपर्टी तो ढंग से चुनो, ये पिछले साल की किताब है। ये सुनकर नीतू दीदी जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें हंसता हुआ देखकर बेचारे गट्टू चिंकी और ज्यादा नाराज हो गए। सॉरी सॉरी, लेकिन मैं अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रही हूँ। मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, बेचारे मुझसे बात करने की कब से कोशिश कर रहे हैं और मैं भी जानबूझकर उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। ऐसा कहकर नीतू दीदी फिर से हंसने लगी। गट्टू चिंकी आओ मेरे पास आओ। गट्टू चिंकी उनके पास गए। दीदी ने दोनों को हग किया और चूम लिया। तुम दोनों बहुत स्वीट हो। उन्होंने अपने पर्स में से दो बड़े बड़े चॉकलेट निकाल कर गट्टू चिंकी को दिया। चॉकलेट पाकर गट्टू चिंकी का तो मूड बन गया। फ्रेंड्स? हाँ हाँ फ्रेंड्स। दीदी ने दोनों से हाथ मिला लिया और उनकी दोस्ती हो गई। डिनर करते हुए तो दीदी ने काफी खुलकर बातें की। नागपुर से वो सबके लिए संतरे की बर्फी लाई थी। सबने बर्फी चखी। वाह नीतू, मजा आ गया। चलो नीतू अब जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी जाना है ना। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाराज हो गए। क्या कल आप जा रही हो? मामा जी देखो तो, दोनों ने कैसे मुंह बना लिया है। अरे मैंने बताया था ना तुम दोनों को, कल उसके एग्जाम है। एग्जाम के बाद वो फिर से आएगी और हम उसे कहीं नहीं जाने देंगे, वो कहेगी तो भी नहीं। ये! बस बस बहुत हुआ हंगामा, अब नीतू को सोने दो। एक तो सफर करके आई है और कल उसका एग्जाम है। दीदी हमारे कमरे में सोएंगी। तुम्हारे कमरे में सोएंगी तो रात भर वो सो नहीं पाएगी। नीतू तुम जाओ अपने कमरे में। नीतू दीदी उठकर चली गई और गट्टू चिंकी मम्मी की तरफ काफी गुस्से से देखने लगे। रात के 9:30 बज गए थे। कमरे में गट्टू चिंकी नीतू दीदी की ही बातें कर रहे थे। दीदी खड़ूस नहीं है, अच्छी है। कितना अच्छा होता अगर वो हमारे कमरे में हमारे साथ सोती। हाँ लेकिन ये मम्मी भी ना। तभी अचानक गट्टू को याद आया, अरे हमने दीदी को तो गुड नाइट बोला ही नहीं, चलो बोल कर आते हैं। गट्टू चिंकी बाहर भागे तो बाहर दीदी उनके कमरे की तरफ ही आ रही थी। कहाँ जा रही हो? आप ही के पास आ रहे थे, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? किसी को बताओगे तो नहीं? बिल्कुल नहीं। मामी जी को? अरे पापा बिल्कुल नहीं। पक्का? हाँ हाँ पक्का। वो क्या है ना, मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सोना है। ये लेकिन आपकी पढ़ाई, आपका एग्जाम? अरे डोंट वरी, मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, रिवीजन भी हो गई, अब बस तुमसे बात करनी बाकी है। तो चलो चलो। फिर क्या, गट्टू चिंकी दीदी को लेकर कमरे की तरफ निकल पड़े। वेलकम विंटर। नवंबर के दिन चल रहे थे। नवंबर के दिन यानी ठंड के दिन। सुबह सुबह हल्की हल्की हवा ठंड को किसी सहेली की तरह अपने साथ लेकर गट्टू चिंकी के बेडरूम में आई। ठंड की वजह से गट्टू चिंकी ने ब्लैंकेट ओढ़कर और ज्यादा सोने का मूड बना लिया। 8 बज गए और मम्मी उनको जगाने आई। अरे उठो, 8 बज गए हैं, ठंड शुरू हो गई है,
यू ब्लैंकेट में सांप की तरह सिकुड़ने से अच्छा था सुबह सुबह हमारे साथ मॉर्निंग वॉक पर चलते, बहुत मजा आया हमें। ये सुनकर गट्टू चिंकी अपने ब्लैंकेट फेंक कर झट से बिस्तर पर बैठ गए। क्या आप लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हो? हमें किसी ने बताया क्यों नहीं? अरे आज ही तो जाने लगे हैं। सुबह सुबह सुधीर अंकल का मैसेज आया और हम निकल गए। तुम गहरी नींद में थे इसलिए जगाया नहीं। कौन कौन आया था? सब थे, सुधीर अंकल, मेघा आंटी, विशाल, हरी, गुड्डी सेक्रेटरी साहब, सब थे। बहुत मजा आया। चलते चलते सावित्री गार्डन पहुंच गए, पता ही नहीं चला। कल से हम भी आएंगे। मम्मी, ठंड शुरू होते ही मौसम कितना रंगीन और एक्साइटिंग हो जाता है ना? हाँ, लेकिन अभी हल्की हल्की ठंड है, इसीलिए जब ज्यादा ठंड गिरने लगेगी तब तो बिस्तर से उठने का मन ही नहीं करेगा तुम्हारा। और हाँ, बोल दे रही हूँ, आज से ही फ्रिज के आइटम खाना बंद। ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला, मम्मी आप एक काम करो, आप फ्रिज को बड़ा सा ताला लगा लो। वेरी फनी। अब चलो उठो फटाफट, स्कूल भी जाना है। दोपहर का समय था, गट्टू चिंकी स्कूल चले गए थे। मम्मी ने कबर्ड से सबके स्वेटर निकाल कर रखे। शाम को सबने स्वेटर पहन लिए। स्वेटर पहनकर गट्टू चिंकी, मम्मी, पापा और सभी एकदम मोटे मोटे लग रहे थे। स्वेटर पहनकर हम सब भालू लग रहे हैं। तुम्हारे जोक्स बस तुम्हें ही सूट करते हैं। इतना भी बुरा नहीं था। आप फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में जो जोक्स फॉरवर्ड करती हो उससे तो कई गुना अच्छा था। मैंने कौन सा जोक फॉरवर्ड किया? एक किसान ने भालू को दिया आलू। भालू बोला, मैं हूँ भालू, फिर मैं क्यों खाऊं आलू? ये सुनकर गट्टू चिंकी के साथ साथ पापा भी हंस पड़े। लेकिन मम्मी की नजर पड़ते ही पापा ने एकदम टॉपिक चेंज कर दिया। चलो खाना खाकर जल्दी सो जाते हैं। लेकिन कल तो संडे है ना? अरे हाँ, लेकिन कल हम सबको जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर भी तो जाना है। सोसाइटी के बाकी मेंबर्स के साथ सड़क से होते हुए सावित्री गार्डन की तरफ मॉर्निंग वॉक करने निकले। सड़क पर बाकी सोसाइटी के लोग भी अपने अपने ग्रुप में बातें करते हुए वॉक कर रहे थे। सुबह सुबह काफी अच्छा माहौल बन गया था, बहुत मजा आ रहा था। फिर सावित्री गार्डन में आकर सब ने वार्म अप किया। उसके बाद सुधीर अंकल ने सबको योगा सिखाया और फिर एक घंटे बाद सब लोग घर आ गए। नाश्ते में आज मम्मी ने बादाम की बर्फी बनाई थी। बादाम की बर्फी? वाव! ठंड में अच्छा और हेल्दी खाना चाहिए। मेरी दादी कहती थी, ठंड में जो भी खाओ वो सीधा शरीर को लगता है और आदमी मजबूत बनता है। कल गुड़ का हलवा मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, ठंड के दिनों में भूख भी बहुत लगती है। हम पानी कम पीते हैं और खाना ज्यादा खाते हैं। वजन बढ़ाने का बढ़िया सीजन होता है ये विंटर सीजन। दोपहर के लंच में मम्मी ने मेथी की हरी सब्जी और बाजरे की रोटी बनाई थी। उसके साथ सफेद सफेद मूली, गाजर और लहसुन की चटनी, सब कुछ था। मेथी की सब्जी देखकर गट्टू चिंकी ने मुंह बना लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, वाह क्या बात है, मजा आ गया। मेथी की हरी सब्जी, गाजर, मूली, क्या खाना है। बाजरा और मेथी प्रकृति में गर्म होते हैं, साथ साथ इनमें बहुत सारे पोषक तत्व भी हैं। इसीलिए ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए मेथी, पालक, फूल गोभी, मूली वगैरह सब खाना चाहिए। दोपहर के समय सब लोग मॉल में शॉपिंग करने आए तो मम्मी ने ध्यान से मॉइस्चराइजर को उठाकर अपनी ट्रॉली में रख लिए। रात में सबने मॉइस्चराइजर उठाकर अपनी स्किन की अच्छी तरह से मालिश की। अब ठंड का लेवल बढ़ रहा है, ठंड में स्किन रूखी सूखी और बेजान हो जाती है, इसलिए उसे किसी भी माध्यम से मॉइस्चराइज करना चाहिए। उससे स्किन को हीलिंग मिलती है, स्किन फटती नहीं है। चिंकी, तुम्हारे होंठ बहुत फट रहे हैं, उन्हें भी मॉइस्चराइजर दो। फिर सब लोग सो गए। दूसरे दिन सुबह गट्टू चिंकी 5 बजे ही उठ गए और अच्छी तरह से रेडी होकर सबके साथ मॉर्निंग वॉक पर निकल पड़े। 6 बज रहे हैं, फिर भी काफी अंधेरा है अभी। बेटा, ठंड के दिनों में रात बढ़ जाती है और दिन छोटा हो जाता है, आज 5 बजे ही सूरज डूब जाएगा, देखना। सब लोग चल रहे थे, बहुत ठंड थी।
लेकिन चलने की वजह से शरीर में गर्मी बन गई थी। बहुत उत्साही वातावरण था। एक दुकान के सामने कुछ लोग अलाव यानी आग जलाकर गर्मी ले रहे थे, साथ साथ गप्पे मार रहे थे। कितना बढ़िया विजुअल है, आग के पास सब इकट्ठा होकर मस्त गप्पे लड़ा रहे हैं। अचानक गट्टू के दिमाग में एक ख्याल आया और गट्टू बोला, क्यों ना हम भी एक रात हमारे सोसाइटी कैंपस में बहुत बड़ी आग जलाए। आग के बहाने सब लोग नीचे आएंगे, ढेर सारी बातें होंगी, गाना बजाना नाचना, क्या प्रोग्राम बनेगा। गट्टू क्या आइडिया दिया बेटा, हम इस प्रोग्राम का एक नाम भी रखेंगे और हर साल हमारी सोसाइटी में ये प्रोग्राम करेंगे। कोई गिटार बजाएगा, कोई गाना गाएगा, कोई कहानियाँ सुनाएगा, तो कोई एक्टिंग करेगा। क्या नाम रखा जाए? वेलकम विंटर। यस वेलकम विंटर, तो फिक्स है, संडे की रात हम वेलकम विंटर करेंगे। संडे की रात में सोसाइटी कैंपस में आग जलाई गई। सभी मेंबर्स आग के पास इकट्ठे हुए और गर्मी लेने लगे, साथ ही साथ ढेर सारी बातें हुई। फिर विशाल भैया ने गिटार की तार छेड़ी और सभी गाने लगे। गाते बजाते नाचते हुए गट्टू चिंकी और सभी सोसाइटी मेंबर्स विंटर को वेलकम करने लगे। चिड़िया घर की सैर। गट्टू चिंकी ने सभी पालतू जानवर देखे थे, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, मामा जी की गांव वाली गाय, बैल और बकरी भी। लेकिन जंगली जानवर सिर्फ टीवी और किताबों में ही देखे थे। उन्हें जंगली जानवर देखने की काफी इच्छा थी, लेकिन बेचारे गट्टू चिंकी जंगल जाकर जंगली जानवर तो नहीं देख सकते थे, और पापा के पास दोनों को जू ले जाने का वक्त भी नहीं था। उन्हें ऑफिस के कामों से फुर्सत ही कहां मिलती थी। बेचारे गट्टू चिंकी पापा से जू ले जाने की जिद करके बोर हो गए थे। लेकिन एक दिन कमाल हो गया, जू देखने का मौका उनके पास खुद चलकर आया। क्लास में एक दिन मिश्रा सर पढ़ाते पढ़ाते अचानक रुक गए और कहने लगे, अरे मैं आपको बताना भूल गया, कल मैं हमारी क्लास की छोटी सी ट्रिप जू में ले जाने वाला हूँ। वहाँ मैं आपको सभी जंगली जानवर और पक्षियों से मिलवाऊंगा और उनकी जानकारी भी दूंगा। कल उस हिसाब से रेडी होकर आना। ये सुनकर सारे बच्चे खुश हो गए। लेकिन आपको पता है सबसे ज्यादा खुश कौन था? जी हाँ, हमारे गट्टू चिंकी। गट्टू चिंकी शाम को जैसे ही घर लौटे, उछलते हुए पापा से मिले। पापा हमेशा की तरह लैपटॉप पर बिजी थे। पापा, आपकी एक टेंशन खत्म हो गई। अरे भाई, कौन सी टेंशन? हमें जू ले जाने की। जू? दूसरे दिन गट्टू चिंकी जू जाने के लिए काफी अच्छे से तैयार होकर स्कूल पहुँचे। उछलते हुए बस में बैठ गए और बस चिड़ियाघर की तरफ निकल पड़ी। आधे घंटे बाद बस शहर के बाहर बसे हुए एक बड़े से चिड़ियाघर के सामने जाकर रुक गई। सारे बच्चे लाइन में नीचे उतरे और चिड़ियाघर के सामने जाकर खड़े हो गए। बाहर एक टिकट काउंटर था। पास ही में एक बड़ा सा बोर्ड था जिस पर कुछ सूचनाएं दी गई थी। बच्चों, बोर्ड को अच्छे से पढ़ लो और समझ लो कि जू में हमें कैसे बिहेव करना है। गट्टू चिंकी ने बड़े ही ध्यान से बोर्ड पढ़ा। चलो अब अंदर चलते हैं। लेकिन सर टिकट्स? डोंट वरी गट्टू, जू के टिकट ऑनलाइन भी निकाले जा सकते हैं। मैंने कल ही हम सबके टिकट्स निकाल लिए थे। बच्चे अंदर पहुँचे तो मानो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी नई दुनिया में आए हैं। जू शहर का हिस्सा होकर भी वहाँ अंदर ना तो हॉर्न की आवाजें थी और ना ही लोगों के चीखने चिल्लाने की, सिर्फ पक्षियों की चहल पहल और जानवरों की आवाजें आ रही थी। फिर बच्चे एक बड़े से पिंजरे के पास आए तो अंदर एक लंबी लंबी गर्दन वाला जिराफ था। जिराफ गर्दन ऊंची करके एक पेड़ के पत्ते खा रहा था। इसकी गर्दन तो देखो। हाँ, गर्दन इतनी ऊंची है तो फिर पानी कैसे पीता होगा। जिराफ एक जंगली जानवर है, साथ साथ शाकाहारी जानवर है। जंगलों में पेड़ ऊंचे होते हैं। जिराफ की गर्दन पेड़ के पत्तों तक पहुँच पाए और वो आसानी से भोजन कर सके, इसलिए उसकी गर्दन इतनी लंबी होती है। पानी पीते समय उसे दिक्कत काफी होती है, लेकिन उन पर भी उसने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। जिराफ अपने सामने वाले दो पैर घुटनों में मोड़ देता है और अपनी गर्दन नीचे झुकाकर फिर पानी पीता है। इस प्रकार मिश्रा सर बच्चों को एक एक जानवर दिखाते गए और उनकी जानकारी देते गए। बच्चों ने हिरन, जेबरा, लंगूर जैसे कई जानवर देखे।
फिर उन्होंने काफी सारे पक्षी भी देखे, जिसमें चिड़िया, तोते, हंस और बाकी भी अलग अलग प्रकार के सुंदर सुंदर पक्षी थे। अरे वो देखो! चिंकी ने बच्चों को एक पिंजरा दिखाया, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत मोर अपने मोर पंख फैलाकर झूमता हुआ नाच रहा था। मिश्रा सर ने बच्चों को पानी में तैरती हुई मछलियाँ, मगरमच्छ जैसे और भी जानवर दिखाए। सांप देखकर तो बच्चे काफी डर गए। ब्लैक किंग कोबरा तो सबसे खतरनाक दिख रहा था। फिर वही जू में बैठकर सबने खाना खाने का प्रोग्राम भी बनाया। खाना खाते हुए मिश्रा सर बच्चों के प्रश्नों का समाधान भी कर रहे थे। सर, क्या इन जानवरों की पूरी देखभाल होती है यहाँ? हाँ, उनका खाना पीना, डॉक्टर, दवाई सबकी व्यवस्था जू में ही होती है। उसके लिए बहुत से अफसर और मजदूर दिन रात काम करते हैं यहाँ पर। सर, प्यारे प्यारे जानवरों को पिंजरे में कैद करके क्यों रखा जाता है? इन्हें खुला क्यों नहीं छोड़ दिया जाता? गुड क्वेश्चन चिंकी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जंगल के सभी जानवर यहाँ कैद हैं। बस हर जाति प्रजाति का एक एक जीव यहाँ रखा गया है। उसके कई कारण हैं। एक तो ये कि लोग इन्हें देख सके। सोचो, अगर जू नहीं होता तो जानवर देखने के लिए हर कोई जंगल जाने की हिम्मत थोड़ी करता। दूसरा कारण है, जानवरों की स्टडी करने के लिए उनकी पूरी स्टडी की जाती है यहाँ। ये स्टडी जानवरों के लिए भी फायदेमंद साबित होती है और हम मनुष्यों के लिए भी, क्योंकि हमें एक साथ एक धरती पर रहना है तो एक दूसरे को समझना तो पड़ेगा ही। इस प्रकार मिश्रा सर ने बच्चों को और भी काफी जानकारी दी। फिर खाना खाने के बाद मिश्रा सर बोले, बच्चों अब डरना नहीं है, क्योंकि अब हम शेर का सामना करने जा रहे हैं। ये सुनकर तो काफी सारे बच्चे डर गए, लेकिन सबसे ज्यादा डरी थी चिंकी। चिंकी तो टाइगर देखने भी आना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर गट्टू और मिश्रा सर भी उसे समझाने लगे। बेटा, टाइगर पिंजरे में है, वो हमें कुछ नहीं करेगा। और अगर टाइगर ही नहीं देखा फिर जू में आने का फायदा ही क्या है? हाँ चिंकी, वो शेर है तो तुम शेरनी हो। शेर को दिखा दो कि शेरनी भी किसी से कम नहीं है। फिर चिंकी मान गई और सबने टाइगर भी देखा। टाइगर काफी शांत लेकिन काफी दमदार था। उसे देखने का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग और अनोखा था। सबने टाइगर के साथ कुछ वक्त बिताया। फिर सब हाथी और ऊंट पर बैठकर पूरा चिड़ियाघर घूमे। फिर शाम होते ही वापस अपनी बस में सवार होकर चिड़ियाघर को टाटा बाय बाय करते हुए घर की तरफ निकल पड़े। दीदी की शादी। गट्टू चिंकी स्कूल से घर आए तो मम्मी पापा हॉल में बैठे थे। मम्मी काफी एक्साइटेड थी और पापा कॉल पर हंस हंस कर बात कर रहे थे। अरे नहीं नहीं निखिल, दोनों भाइयों को जाना पड़ेगा, नहीं तो मालती ताई बुरा मान जाएंगी। अरे कैसी बात कर रहा है यार, बच्चे भी आएंगे ना साथ में, वो भी देख लेंगे गांव की शादी कैसी होती है। चल ठीक है, गट्टू चिंकी आ गया है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। गट्टू चिंकी समझ ही नहीं पा रहे थे कि पापा किसकी शादी की बात कर रहे थे। आ गए तुम दोनों, सुनो पापा तुम दोनों को कुछ बताने वाले हैं जो सुनकर तुम दोनों पागल हो जाओगे पागल। ऐसा कहकर मम्मी हंसने लगी और पापा ने गट्टू चिंकी से कहा, गट्टू चिंकी हमारी एक मौसेरी बहन है मालती ताई, उनकी बेटी की शादी है चित्रा दीदी की, नासिक के पास पंचवटी गांव है छोटा सा, वहाँ तुम दोनों आना चाहोगे? मम्मी पापा को लगा था कि शादी की ये खबर सुनकर गट्टू चिंकी तो नाचने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों बिना कुछ कहे उनके कमरे की तरफ निकल गए। अरे क्या हो गया, कुछ तो बोलो। अरे बच्चों, अरे ये तो बताओ तुम आओगे कि नहीं, सुधीर अंकल, मेघा आंटी, मुनमुन और बन्नी भी आने वाले हैं, मुझे सबके ट्रेन के टिकट्स भी बुक करने हैं, बहुत मजा आने वाला है, बच्चों कुछ तो बोलो। लेकिन दोनों चुपचाप बिना कुछ बोले उनके कमरे में निकल गए। अंदर जाकर चिंकी ने दरवाजा बंद कर लिया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ये गट्टू चिंकी ने नाचते हुए गाते हुए पूरा घर सिर पर उठा लिया और दोनों का शोर सुनकर बाहर हॉल में खड़े मम्मी पापा के कान पक गए। और आखिर वो दिन आ ही गया, गट्टू चिंकी, मम्मी पापा और सुधीर अंकल की पूरी फैमिली सुबह सुबह ट्रेन में बैठकर पंचवटी के लिए निकले। गट्टू चिंकी और उनके कजन्स बन्नी और मुनमुन खिड़की के पास बैठे थे। ट्रेन तेजी से भाग रही थी।
और बच्चे बाहर का खूबसूरत नजारा एंजॉय कर रहे थे। नदी, नाले, पहाड़ और हरे भरे खेत। जैसे ही नासिक शहर छूटा, अंगूरों के हरे भरे बगीचे दिखने लगे और रंग बिरंगी अंगूरों ने बच्चों का मन मोह लिया। 10 बजे सब लोग पंचवटी स्टेशन उतरे। स्टेशन काफी छोटा सा और खूबसूरत था। पंचवटी गांव स्टेशन से काफी नजदीक था। मालती बुआ की तरफ से मेहमानों को स्टेशन से गांव ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का इंतजाम किया गया था। बैलगाड़ियां काफी खूबसूरत तरीके से सजाई गई थी। एक गाड़ी में गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ बैठ गए और दूसरी बैलगाड़ी सुधीर अंकल की फैमिली को लेकर पीछे से आने लगी। गट्टू चिंकी पहली बार बैलगाड़ी में बैठ रहे थे। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। उनका गाड़ी वाला बहुत तेज गाड़ी दौड़ा रहा था और गट्टू चिंकी बन्नी और मुनमुन की तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे। गांव के खूबसूरत रास्तों से होते हुए बैलगाड़ी शादी के मंडप तक पहुंची तो इंतजाम देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। शादी का मंडप काफी खूबसूरत था। मंडप के नीचे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए मेहमान इधर उधर भाग रहे थे। बाजा बजाने वाले, शहनाई वाले बहुत ही बढ़िया बजा रहे थे। काफी एनर्जेटिक और खूबसूरत माहौल था। एक औरत काफी सज सवर कर मंडप में भिंगरी की तरह इधर उधर भाग रही थी, मेहमानों की पूछताछ कर रही थी। मालती ताई, पापा ने आवाज लगाई और वो औरत सबको देखकर भागती हुई उनके पास आई। ये थी पापा की मौसेरी बहन मालती ताई। आ गए आप सब, बस आपका ही इंतजार हो रहा था। कैसे हो बच्चों? चलो सब लोग फ्रेश होकर मंडप में बैठ जाओ और नाश्ता पानी कर लो। फिर क्या, सब लोग फ्रेश होकर नए नए कपड़े पहनकर तैयार होकर मंडप में आकर बैठ गए। फिर गांव वालों ने सबको नाश्ता परोसा। नाश्ता काफी टेस्टी था। चलो मेघा, नाश्ता पानी तो हो गया, अब हम मालती ताई का हाथ बटाते हैं। हम लड़की वाले जो ठहरे, बारात आने से पहले हमें तैयार रहना है। हाँ भाभी, आप दोनों जाइए, मैं और भैया जीजा जी से मिलकर यहाँ इंतजाम देखते हैं। और पापा, हम क्या करें? मुनमुन और बन्नी, तुम दोनों गट्टू चिंकी के साथ रहो, घूमो फिरो, गांव के नए दोस्त बनाओ और उनके साथ खेलो। जाओ ये चलो। गट्टू चिंकी अपने कजन्स के साथ मंडप में इधर उधर भागने लगे और खेलने लगे। शादी में उन्हें गांव के नए दोस्त भी मिल गए। उनके साथ उन्होंने बहुत मस्ती की, बहुत सारी बातें की। तुम्हें अंगूर के बगीचे देखने हैं? हाँ, हमने कभी अंगूर के बगीचे नहीं देखे, ले चलो हमें। अभी नहीं, बारात आने का समय हो गया है, हम कल चलेंगे। फिर क्या, नाचते हुए बारात आई और गट्टू चिंकी सबके साथ बारात एंजॉय करने लगे। थोड़ी देर बाद सब लोग मंडप में आ गए। दुल्हा दुल्हन पंडित जी के पास आकर बैठ गए। दुल्हा दुल्हन काफी सज सवर कर बैठे थे। दुल्हन शर्मा रही थी और दुल्हा मुस्कुरा रहा था। दोनों की जोड़ी काफी जच रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और फेरे संपन्न हुए। फिर दोनों ने एक दूसरे के गले में मालाएं डाली। जोर जोर से शहनाइयां बजने लगी और शादी संपन्न हुई। ना पटाखों की डरावनी आवाज और ना डीजे के नखरे। शादी एकदम ट्रेडिशनल और सिंपल तरीके से संपन्न हुई। गट्टू चिंकी मंडप में एक लाइन में बैठकर दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे। यहाँ खाना अपने हाथों से लेने की जरूरत नहीं थी। गांव वाले सबके पास आकर एक एक को बड़े ही प्यार से खाना परोस रहे थे। खाने में बहुत सारे व्यंजन थे और सभी व्यंजन काफी टेस्टी थे। पता है, ये खाना खुद गांव वालों ने अपने हाथों से बनाया है, तभी इतना टेस्टी है। क्या यहाँ की शादियों में सारे काम गांव वाले ही करते हैं? हाँ, गांव में किसी के भी घर शादी हो तो मंडप से लेकर खाना बनाने तक, मेहमानों के स्वागत से लेकर उनके आने जाने तक पूरा काम गांव वाले ही करते हैं। उसका किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। अच्छा है, शहर की शादियों में खाना पीना गाना बजाना सबका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। वो भी ठीक है, तुम लोगों के पास पैसे जो है, गांव में उतने पैसे नहीं होते। लेकिन गांव में प्यार है, हर काम प्यार से और अपना समझकर किया जाता है, जिससे उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है, बिल्कुल इस खाने की तरह। वो तो ठीक है, लेकिन अब जल्दी जल्दी खाना खत्म करो,
क्योंकि गांव में खाना बर्बाद करना अलाउड नहीं है, पूरी थाली खानी पड़ती है। ये सुनकर गट्टू चिंकी हंसने लगे और फिर से टेस्टी खाने पर टूट पड़े। मम्मी का बर्थडे। रात का समय था, 9 बज रहे थे। गट्टू चिंकी टीवी के सामने बैठकर कार्टून देख रहे थे और पापा वहीं बैठे बैठे ऑफिस की फाइल्स चेक कर रहे थे। मम्मी बेचारी किचन में काम कर रही थी। बर्तन और बाकी सारे काम खत्म करके मम्मी ने किचन साफ किया और मम्मी हॉल में आई। अरे ये क्या, आप सब अभी तक जाग रहे हो? गट्टू चिंकी, टीवी बंद करो और भागो अपने कमरे में, रात बहुत हो चुकी है। मम्मी प्लीज, कल वैसे भी संडे है, हमें कार्टून देखने दो ना। लेकिन बेटा। मम्मी प्लीज डोंट डिस्टर्ब, आपके सीरियल्स के बीच में हम आपको डिस्टर्ब करते हैं क्या? चिंकी की बात सुनकर मम्मी बेचारी नाराज हो गई और उन्होंने अपनी नजर पापा की तरफ घुमाई। अरे कब तक इन फाइलों में उलझे रहोगे, सोना नहीं है क्या? रोज तो खाना खाते ही सो जाते हो, आज क्या हो गया? प्लीज डोंट डिस्टर्ब यार, बहुत सारी फाइल्स पेंडिंग है, एक एक सेकंड बहुत कीमती है मेरे लिए। ऐसा कहकर पापा फिर से फाइल्स में खो गए और मम्मी बेचारी सबको बारी बारी देखती रही। बच्चों को कार्टून देखना है, इन्हें ऑफिस का काम करना है और ना ही कोई मेरे साथ वक्त बिताना चाहता है। कोई बात नहीं, मैं बेडरूम में जाकर सो जाती हूँ। ऐसा कहकर मम्मी बेडरूम की तरफ निकल गई। जैसे ही मम्मी गई, पापा ने फाइल पटक दी। फाइल देख देख कर तो मम्मी से पहले मैं ही सो जाता। तभी चिंकी जम्भाई लेते हुए बोली, सोना नहीं है पापा, सोना नहीं है ना गट्टू। चिंकी ने गट्टू की तरफ देखा तो गट्टू घोड़े बेचकर सो रहा था। गट्टू उठो, उठो बेटा, अरे ये तो हिल भी नहीं रहा। गट्टू उठो, गट्टू, गट्टू 12 बज गए हैं। ये सुनते ही गट्टू झट से उठकर बैठ गया। 12 बज गए, चलो चलते हैं, कहाँ है के? गट्टू की हालत देखकर पापा मुस्कुराते हुए बोले, गट्टू 12 अभी बजे नहीं और केक अभी आया नहीं, तुम जाओ और देख कर आओ मम्मी सो रही है या नहीं। गट्टू जाने लगा तो पापा पीछे से चिल्लाए, और सुनो, सिर्फ देख कर आना, वही मम्मी के पास सो मत जाना। गट्टू चला गया और थोड़ी ही देर में वापिस आकर बोला, मम्मी सो रही है। यस! ये डिलीवरी बॉय कहाँ रह गया? पापा आप एक काम करो, दरवाजा खोल दो। वो क्यों? अरे डिलीवरी बॉय आकर डोरबेल बजाएगा तो आवाज से मम्मी जाग जाएगी और हमारे सरप्राइज का सत्यानाश हो जाएगा। चिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं दरवाजा खोल देता हूँ। ऐसा कहकर पापा दरवाजे के पास गए और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने केक का बॉक्स लेकर डिलीवरी बॉय खड़ा था। क्या परफेक्ट टाइमिंग है सर, मैं बस बेल बजाने ही वाला था, ये लीजिए आपका केक। पापा ने केक लिया और पेमेंट कर दिया। तभी हाथ में कुछ पैसे लेकर चिंकी आई और डिलीवरी बॉय को देने लगी। सॉरी, हमें सर्विस टिप लेना अलाउड नहीं है। ये टिप आपके सर्विस के लिए नहीं, आपने डोरबेल नहीं बजाई इसलिए है, प्लीज रख लीजिए। बॉय ने टिप ले ली और वो वहाँ से चला गया। केक फ्रीज में रख दो और सारी तैयारियाँ कर लो। चिंकी ने केक फ्रीज में रखा और वो गट्टू के साथ मिलकर कैंडल्स और बाकी सामान रेडी करने लगी। ठीक 11:59 पर गट्टू चिंकी और पापा मम्मी के बेड के सामने बड़ा सा केक लेकर खड़े थे। बेचारी मम्मी को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। पापा ने टाइम देखा, जैसे ही 12 बजे सब ने एकदम से हंगामा खड़ा कर दिया। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you dear mummy, happy birthday to you। मम्मी नींद से जागकर झट से बिस्तर पर बैठ चुकी थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो समझ रही थी कि वो सपना देख रही है। ऐसे क्या देख रही हो मम्मी, आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, कैसा लगा सरप्राइज? गट्टू ने म्यूजिक सिस्टम ऑन किया और बैकग्राउंड सॉन्ग भी बजने लगा और केक कटिंग शुरू हुई। थैंक यू सो मच, मुझे पता ही नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है, मैं तो भूल ही गई थी। याद कैसे रहता, दिन भर तुम इतने काम करती हो, बस हमारी सर्विस में उलझी रहती हो। डोंट वरी मम्मी, हमें याद था।
तभी मैं सोचूं, अचानक सबकी नींद कैसे गायब हो गई? कोई कार्टून देख रहा है तो कोई फाइल में उलझा है। मम्मी सच बताओ, हमें बहुत नींद आ रही थी। गट्टू तो बैठे बैठे सो रहा था, लेकिन हमें आपको सरप्राइज देना था। तो दे दिया सरप्राइज? हो गए सारे सरप्राइज खत्म? ऐसे कैसे, हम अभी आते हैं। गट्टू चिंकी भागते हुए गए और ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आए। सबने एक एक गिफ्ट मम्मी को दिया और मोबाइल से फोटोज कैप्चर किए। मम्मी अभी भी ढेर सारे सरप्राइज बाकी है। चिंकी बताओ। नहीं, पापा बताएंगे। अरे अच्छा ठीक है, बच्चों ने कल तुम्हारे लिए एक पार्टी अरेंज की है। सारा इंतजाम खुद गट्टू चिंकी ने किया है, तुम्हें कल बस एंजॉय करना है। बच्चों ने खाना वाना सब बाहर से ऑर्डर कर लिया है। सोसाइटी में सबको इनविटेशन दिया गया है। और एक बड़ी बात। कौन सी बात? पता है कल पार्टी में तुमसे मिलने कौन आ रहा है? बचपन की तुम्हारी सारी सहेलियां, जो समय के साथ साथ तुमसे बिछड़ गई थी। गट्टू चिंकी ने सोशल मीडिया से सबको ढूंढ निकाला और इनविटेशन भेज दिया। ये सुनकर मम्मी इमोशनल होकर गट्टू चिंकी को बिलक गई। मम्मी आप खुश तो हो ना? आप सिर्फ हमें बताओ, हम आपके लिए और क्या करें? मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मुझे तुम दोनों पर गर्व है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम चारों मिलकर आज रात भर ढेर सारी बातें करेंगे। दिन भर आप सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हो और घर आते ही टीवी और मोबाइल में चिपक जाते हो और मैं बहुत अकेली पड़ जाती हूँ। सॉरी मम्मी। हाँ आज के बाद हम तुम्हें भी टाइम देंगे, फिर क्या। ऐसे ही बातें शुरू हुई और रात भर पेट भर बातें चलती रही। न्यू फैमिली मेंबर। सैटरडे था, शाम हो चुकी थी। गट्टू चिंकी हॉल में अपने खिलौने बिखार कर खेल रहे थे। खेल कम और मस्ती ज्यादा हो रही थी। मम्मी देखो ना, इसने मेरे डॉल की आंख निकाली। मम्मी हॉल में आई और फर्श पर बिखरे पड़े खिलौने देखकर गुस्सा हो गई। गट्टू चिंकी बहुत हो चुकी मस्ती, तुम्हारा ये दुकान समेटो और किताबें निकालो, पापा के आने का समय हो गया है। मम्मी बस 5 मिनट और। तुम दोनों मेरी सुनते कहाँ हो? ऐसा कहकर नाराज मम्मी किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद डोरबेल बजी। चिंकी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने पापा खड़े थे। हाय पापा, आज आपने देर कर दी। लेकिन पापा का ध्यान चिंकी की तरफ नहीं था, वो तो बाहर किसी को आवाज लगा रहे थे। अरे भाई अब आ भी जाओ, इतना क्या शर्माना, चलो आओ, दूध पीना है कि नहीं? पापा की बात सुनकर चिंकी कंफ्यूज हो गई। पापा आप किसे आवाज लगा रहे हो? वो डर जाएगा, सोसाइटी में नया है ना। चिंकी आवाज नीचे करते हुए बोली। पापा कौन डर जाएगा? अरे वही। उसका नाम नहीं है? अभी तक तो नहीं है, पर हम उसे नाम भी दे देंगे। पापा आप क्या कह रहे हो, साफ साफ बोलो ना, कौन आया है आपके साथ? अरे एक नया मेहमान आया है जिसे देखकर तुम लोग नाचने लगोगे। अरे भाई आ जाओ, कोई कुछ नहीं करेगा। तभी गट्टू चिंकी के पास आकर खड़ा हो गया और बाहर खड़े पापा को देखकर बोला। पापा आप बाहर क्यों खड़े हो और बाहर किससे बात कर रहे हो? अरे भाई लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आ जाओ, नहीं तो मैं दरवाजा बंद करके अंदर चला जाऊंगा, फिर वापस तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। इस प्रकार गट्टू चिंकी कुछ कहते उससे पहले ही कुत्ते का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा दुम हिलाता हुआ पापा की तरफ भागा और पापा के पैर चाटने लगा। कुत्ते का छोटा सा प्यारा सा बच्चा देखकर तो गट्टू चिंकी के होश ही उड़ गए और दोनों एकदम से चीख पड़े। पापी! तुम्हारी मम्मी सुनेगी तो बवाल हो जाएगा। पापा क्या ये पप्पी हमारे साथ हमारे घर में रहने वाला है? हाँ अब ये हमारा नया फैमिली मेंबर है। लेकिन आपको ये इतना प्यारा सा पप्पी मिला कहाँ से? सोसाइटी के बाहर मिला मुझे, ये मेरे पीछे पीछे आने लगा, मैंने भगाया फिर भी नहीं माना, फिर मेरा पीछा करता ही रहा, फिर मेरा भी इस पर दिल आ गया और मैं इसे घर ले आया। पता है बचपन में मैं कुत्ता पालना चाहता था लेकिन मेरी मम्मी कभी नहीं मानी, लेकिन आज ये कुत्ता पाल कर मैं अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करूंगा। ये सुनकर गट्टू नाराज होकर बोला। आपकी मम्मी नहीं मानी, वैसे ही हमारी मम्मी भी तो नहीं मानेंगी। आपको पता है ना
मम्मी को तो कुत्तों के नाम से भी एलर्जी है। वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। चिंकी तुम जाओ और इसके लिए दूध लेकर आओ, पर ध्यान रहे मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए। चिंकी तेजी से किचन में भागी तो वहाँ पर मम्मी थी। पापा आ गए? हाँ आ गए। तो जाओ जल्दी से उनके लिए पानी लेकर जाओ। पापा को पानी नहीं दूध चाहिए। दूध? आज अचानक से दूध? हाँ ठंडा दूध, पापा को थोड़ी एसिडिटी हो गई है। तुम जाओ मैं लेकर आती हूँ। ये सुनकर चिंकी डर गई। नहीं मम्मी आप अपना काम करो, मैं लेकर जाती हूँ। ऐसा कहकर चिंकी ने एक छोटे से बाउल में ठंडा दूध लिया। पापा बाउल में दूध पियेंगे? ग्लास में लेकर जाओ। नहीं पापा को बाउल में ही चाहिए। चिंकी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना, चुपचाप ग्लास में दूध भर कर ले जाओ। नहीं बाउल ठीक है। तुम रहने दो मैं लेकर जाती हूँ। नहीं नहीं मम्मी ग्लास ही ठीक है। बेचारी चिंकी ग्लास भर ठंडा दूध हॉल में लेकर गई और पापा ग्लास से पप्पी को दूध पिलाने लगे। ग्लास में दूध पीना पप्पी को मुश्किल हो गया था। चिंकी बाउल ले आती ना, ग्लास से नहीं पी पा रहा ये। सॉरी पापा, मम्मी नहीं मानी। तभी अचानक पप्पी ने पापा के हाथ को झटका दिया और दूध का ग्लास फिसल कर गिर गया और टूटकर कांच के साथ साथ सारा दूध फर्श पर बिखर गया। यह देखकर सबने माथा पीट लिया। जो होना था वही हुआ। आवाज सुनकर मम्मी आई और सारा नजारा देखकर एकदम से बरस पड़ी। तभी मैं सोचूं आपको बाउल में दूध क्यों पीना है, चिंकी मुझे हॉल में क्यों नहीं आने देना चाहती। 10 मिनट का वक्त है आपके पास, इसे लाए हो तो बाउल में दूध पिलाओ और जहाँ से लाए हो वहीं वापस छोड़ कर आओ। ये सुनकर गट्टू चिंकी रोते हुए गिड़गिड़ाने लगे। मम्मी प्लीज रहने दो ना, कितना प्यारा पप्पी है। मम्मी प्लीज आप जो कहोगे हम करेंगे, पर प्लीज पप्पी को एडजस्ट कर लो। तुम्हारे रोने का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, आपको पता है ना मुझे कुत्ते पसंद नहीं। पर हमें तो पसंद है, तुम चिंता मत करो, इसका हम सब कुछ कर लेंगे, खाना पीना नहाना धोना सब कुछ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये पप्पी कहीं नहीं जाएगा। ओह ऐसी बात है, तो डिस्कशन ही खत्म। आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं भला कौन होती हूँ। ऐसा कहकर मम्मी किचन में चली गई। गट्टू चिंकी अभी भी नाराज खड़े थे। अरे चिंता मत करो, तुम्हारी मम्मी का गुस्सा ज्यादा देर नहीं टिकता, ये पप्पी भी कितना प्यारा है, देखना एक ना एक दिन ये तुम्हारी मम्मी को इम्प्रेस करके ही रहेगा। बिल्कुल सच कहा पापा, बहुत प्यारा है ये, लेकिन हम इसे ये वो कहकर क्यों बुला रहे हैं, इसका कोई अच्छा सा नाम क्यों ना दे दें। हाँ टॉमी कैसा रहेगा, ये बहुत कॉमन है, टाइगर रखते हैं। तभी पापा एकदम से बोले, मैजिक, इसका नाम हम मैजिक रखते हैं। ये नाम सुनकर गट्टू चिंकी इम्प्रेस हो गए। वाओ पापा मैजिक, एकदम डिफरेंट नाम है ना मैजिक। पप्पी भी सॉरी मैजिक भी भो भो करते हुए सहमति दर्शाने लगा। गट्टू चिंकी भागने लगे और मैजिक दुम हिलाता हुआ उनके पीछे भागते हुए मस्ती करने लगा। गट्टू चिंकी और पर्स चोर। एक दिन की बात है, गट्टू चिंकी मम्मी के साथ सोसाइटी के नजदीक वाले सब्जी मार्केट आए थे। मम्मी के पास एक एक्सपेंसिव पर्स थी और मम्मी सब्जी वाले से मोल भाव करने में बिजी थी। गट्टू चिंकी भी पास में ही खड़े थे। भैया भिंडी कैसे लगाई? केवल 40 रुपए किलो भाभी जी। 40 रुपए किलो, सही सही दाम लगाओ, हम हमेशा के कस्टमर हैं। मम्मी और सब्जी वाले की बहस चल रही थी, तभी अचानक भीड़ से एक चोर आया और मम्मी की पर्स छीनकर भागने लगा। चोर चोर चोर, पकड़ो मेरा पर्स, मेरा पर्स। यह देखकर गट्टू चिंकी भी दंग रह गए। आसपास खड़े लोग चोर के पीछे भागते, उससे पहले ही चोर भीड़ से गायब हो गया। अरे रहा था, अचानक कहाँ गायब हो गया। पर्स चोरी होने की वजह से मम्मी रोने लगे और गट्टू चिंकी भी परेशान हो गए। रोइए मत बहन जी, यहाँ चोरी आम बात है, रोज किसी की पर्स नहीं तो गले की चैन गायब होती है। वैसे पर्स में मोटी रकम थी क्या? बात पैसों की नहीं है, पर्स मेरे लिए बहुत स्पेशल था, मेरे हस्बैंड ने एनिवर्सरी गिफ्ट दिया था मुझे। मम्मी और ज्यादा रोने लगी और गट्टू चिंकी को चोर पर गुस्सा आ गया। हे भगवान, फिर तो पर्स आपके लिए काफी कीमती था, छोड़िए लेने वाला तो ले गया, अब आंसू बहाकर क्या फायदा, भूल जाइए। ऐसे कैसे भूल जाए,
हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। उस चोर को सबक सिखा के ही रहेंगे। बेटा कोई फायदा नहीं, पुलिस भी चोरों के साथ मिली होती है, उनसे हफ्ता वसूली है और चोरी करने की छूट देती है। ऐसे कैसे, सारे पुलिस वाले ऐसे नहीं होते। गट्टू बेकार बहस मत करो, वो ठीक कह रही है, इस बात को भूल जाना ही बेहतर है। गट्टू चिंकी मम्मी के साथ घर तो चले आए, लेकिन चोरी के हादसे के बाद गट्टू काफी मायूस और गुस्से में था। जिसने मेरी मम्मी की आंखों में आंसू लाए, मैं उस चोर को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? पता नहीं, पर मैं चोर को सबक सिखा कर ही रहूंगा। चिंकी, क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर क्या, मम्मी पापा से छिपकर गट्टू चिंकी पुलिस स्टेशन पहुँचे और एसीपी साहब से मिले। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो चोर एक ही है? वो अनेक भी तो हो सकते हैं। सर, वो सब्जी मार्केट काफी छोटा है और वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ रोज कोई ना कोई चोरी होती ही रहती है और चोर पकड़ा नहीं जाता। मतलब चोर एक ही है और काफी शातिर है, इसीलिए पकड़ा नहीं जाता। अनेक चोर होते हैं तो कोई ना कोई चोर पकड़ा जरूर जाता है। इस प्रकार काफी देर बातचीत चली और गट्टू चिंकी जब पुलिस स्टेशन से बाहर आए तो चिंकी काफी डरी हुई थी। मुझे बड़ा डर लग रहा है। डर तो उस चोर को लगना चाहिए, पुलिस है हमारे साथ। बस कल तुम्हें जो एक्टिंग करनी है तुम उसके बारे में सोचो। दूसरे दिन की बात है, गट्टू अपनी साइकिल लेकर कानों में ब्लूटूथ डालकर सब्जी मार्केट के बाहर खड़ा चिंकी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद हाथ में एक पर्स लेकर चिंकी आई। मम्मी ने पर्स लाते हुए तुम्हें देखा तो नहीं? नहीं, मैंने छिपकर अलमीरा से निकाल लिया था। ठीक है, ये लो कैश। गट्टू ने चिंकी को काफी सारे नोटों का बंडल दिया और चिंकी ने वो पर्स में डाल लिया। चलो अब जाओ। चिंकी मार्केट में घूमने लगी और गट्टू चिंकी को ऑब्जर्व करने लगा। चिंकी एक सब्जी वाले के सामने जाकर खड़ी हो गई और अमीर होने की एक्टिंग करने लगी। भैया, भिंडी कैसे लगाई? 40 रुपए किलो। इतनी सस्ती? 2 किलो दे दो। चिंकी ने पर्स में हाथ डालकर पैसों का बंडल निकाला और दिखावा करने लगी, नोट गिनने लगी और उसके बाद उसने एक नोट निकाल कर बाकी नोट पर्स में रख दिए। गट्टू भीड़ को और भीड़ में खड़ी चिंकी को ऑब्जर्व कर रहा था कि तभी अचानक भीड़ में से एक आदमी आया और चिंकी का पर्स लेकर भागने लगा। गट्टू तैयार ही था, उसने फौरन चोर के पीछे साइकिल दौड़ाई और उसका पीछा करने लगा। गट्टू को पीछा करता देख चोर तेजी से भागने लगा। गट्टू ने भी साइकिल की रफ्तार तेज कर दी। हेलो एसीपी सर, टारगेट काली दीवार की तरफ भाग रहा है, अच्छा मौका है, दबोच लीजिए। चोर भागता रहा और गट्टू भी उसका पीछा करता रहा और ब्लूटूथ के जरिए एसीपी सर को इन्फॉर्म भी करता रहा। जैसे ही काली दीवार नजदीक आई, सामने से पुलिस की जीप चोर के सामने आकर खड़ी हो गई और पुलिस ने चोर को दबोच लिया। गट्टू चिंकी, तुम्हारी वजह से ये चोर पकड़ा गया, जल्द ही वो पुलिस वाले भी पकड़े जाएंगे जो इस चोर से हफ्ता वसूली करके इसे चोरी की छूट देते थे। ये लो तुम्हारे मम्मी के दोनों पर्स और हाँ, हमने दी हुई सारी कैश हमने निकाल ली है। थैंक्स गट्टू चिंकी। थैंक यू वेरी मच सर। इस प्रकार गट्टू चिंकी की सूझबूझ और बहादुरी की वजह से चोर पकड़ा गया। बेबी का मेकअप पार्ट 2। एक शहर में छोटी सी बेबी मम्मी पापा के साथ रहती थी। बेबी के पापा ऑफिस जाते थे और मम्मी हाउसवाइफ थी, साथ साथ मम्मी एक पार्लर भी चलाती थी। घर में ही उनका छोटा सा पार्लर था और अड़ोस पड़ोस की औरतें उनके पास अपनी ब्यूटी बढ़ाने आया करती थी। ये बात गर्मियों के सीजन की है। गर्मियों की छुट्टियों में बेबी का सारा टाइम मम्मी के साथ उनके पार्लर में बिताती थी। पार्लर की चीजों के साथ खेलती थी और मम्मी का काम भी देखती थी। गर्मियों का मतलब शादियों का सीजन। इन दिनों मम्मी के पास औरतों की काफी भीड़ रहती थी और औरतों के साथ साथ बेबी को हैंडल करके मम्मी काफी परेशान हो जाती थी। बेबी, 1000 बार कहा है पार्लर की किसी भी चीजों को हाथ ना लगाया करो। क्या हुआ मम्मी? ब्रश नहीं मिल रहा है। मैंने तो ब्रश को हाथ ही नहीं लगाया था। मुझे पता है, खेलते खेलते तुमने कहीं रख दिया होगा और अब भूल गई हो। डोंट वरी मम्मी, मैं ब्रश ढूंढने में आपकी हेल्प करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं ढूंढ लूंगी, तुम जाओ अपनी फ्रेंड्स के साथ खेलो।
बेचारी बेबी नाराज हो गई। उसे तो मम्मी का काम देखना था। जब भी पार्लर में कोई औरत फेशियल कराने या मेकअप कराने आती, मम्मी की कारीगरी देखकर सारे कस्टमर्स खुश हो जाते। वाओ, कितनी खूबसूरत लग रही हूँ ना मैं, जादू है आपके हाथों में। ये सुनकर मम्मी के साथ साथ बेबी भी खुश हो जाती और मम्मी से काफी इम्प्रेस भी। एक दिन बेबी अपनी सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही थी। मैं तो बड़ी होकर आईपीएस अफसर बनूंगी, मैं हीरोइन बनूंगी। बेबी तू बोल, तू बड़ी होकर क्या बनेगी? मैं बड़ी होकर मम्मी की तरह पार्लर वाली बनूंगी। बेबी की बात सुनकर सहेलिया हंसने लगी। अरे हंस क्यों रही हो, हीरोइन और आईपीएस अफसर मेकअप नहीं करती क्या? तुम्हें पता है मेरी मम्मी कितना अच्छा मेकअप करती है, मैं भी उनकी तरह दुनिया की बेस्ट पार्लर वाली बनूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। ऐसे थे बेबी के सपने, बिल्कुल उसकी तरह प्यारे प्यारे। मम्मी के पार्लर में मिस ब्रिगेंजा नाम की औरत आती थी। मिस ब्रिगेंजा काफी खड़ूस और गुस्सैल थी। मिस ब्रिगेंजा आते ही बेबी पार्लर से भाग जाती। सिर्फ बेबी ही नहीं, बेबी की मम्मी भी मिस ब्रिगेंजा से डरती थी। ये क्या है, ये आईब्रो ठीक से क्यों नहीं किया? और ये क्या, कितना चीप प्रोडक्ट यूज करता है तुम? और तुम्हारी ये बच्ची का पार्लर में क्या काम? नेक्स्ट टाइम बेबी पार्लर में नहीं दिखना चाहिए, समझा? ऐसी थी मिस ब्रिगेंजा, हमारी स्टोरी की विलन। एक दिन की बात है, मम्मी मार्केट से मेकअप का काफी एक्सपेंसिव सामान लेकर आई थी और पार्लर में रख कर बाहर गई थी। मौके का फायदा उठाकर बेबी सहेलियों के साथ पार्लर में आई और चीजों के साथ खेलने लगी। तभी सहेली का ध्यान मम्मी के लाए हुए मेकअप के सामान पर पड़ा। वाओ, मेकअप का सामान! अरे इसमें तो सब कुछ है। बेबी तुम्हें मम्मी की तरह पार्लर वाली बनना है ना, तो आज तुम इस सामान से हमारा मेकअप करो। नहीं नहीं, मम्मी नाराज हो जाएगी, बस थोड़ा सा कर दो, मम्मी को नहीं पता चलेगा। फिर क्या था, बेबी मान गई और मम्मी के लाए हुए सामान से सहेलियों का मेकअप करने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मम्मी किया करती थी। वाओ, हमारा तो हो गया, अब तुम्हारी बारी। दोनों सहेलियां मिलकर बेबी का मेकअप करने लगी। इस प्रकार खेल खेल में मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया। मम्मी जब पार्लर में आई तो उन्होंने देखा कि मेकअप का सारा सामान खत्म हो गया है। बेबी के चेहरे पर मेकअप देखकर मम्मी सब कुछ समझ गए। सॉरी मम्मी, खेल खेल में सारा सामान खत्म हो गया, मम्मी सॉरी, सॉरी ना। लेकिन मम्मी ने बेबी से बात नहीं की, वो बस परेशान खड़ी रही। 5 मिनट बाद मिस ब्रिगेंजा आई, उन्हें देखकर बेबी मम्मी के पीछे छिप गई। चलो चलो, शादी के लिए लेट हो रही हूँ, फटाफट मेकअप कर दो। मम्मी ने मिस ब्रिगेंजा को जब मेकअप के सामान के बारे में बताया तो मिस ब्रिगेंजा भड़क गई। क्या कहा, सामान खत्म हो गया? तुम पार्लर चलाता ये सब्जी का ठेला, हमेशा का नाटक है तुम्हारा, सारा मूड खराब कर दिया। शादी में जाना था हमको, अब कौन सा मुँह लेकर जाएगा? हम देखना, कंप्लेंट करेगा हम तुम्हारी, तुम्हारा एक भी पैसा नहीं चुकाएगा, आज से हमारा खाता क्लोज। मिस ब्रिगेंजा ने मम्मी को और भी बहुत डांटा और फिर वह वहाँ से निकल गई। बेबी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मम्मी बेचारी रो रही थी। बेबी मम्मी को कुछ कहती इससे पहले ही मम्मी वहाँ से चली गई। 2 दिनों तक मम्मी ने बेबी से बात नहीं की, वह बस रोती रही। 3रे दिन बेबी मम्मी के पास जाकर बोली, मम्मी मम्मी प्लीज मुझसे बात करो, आज के बाद मैं कभी किसी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी, प्रॉमिस। मुझे सबक मिल चुका है कि किसी के सामान को उनकी परमिशन के बगैर नहीं छूना चाहिए, नहीं तो क्या होता है ये मैंने देख लिया, प्लीज मम्मी प्लीज ना। ये सुनकर मम्मी पिघल गई और बेबी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। फास्ट फूड वर्सेस दादी के पराठे। एक संडे मम्मी गट्टू चिंकी को लेकर मॉल में शॉपिंग करने आई थी। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद उन्हें भूख सताने लगी तो मम्मी बोली, बच्चों बहुत भूख लगी है ना,
घर जाकर खाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी, यही मॉल में कुछ खा ले। ऐसा कहकर मम्मी दोनों को मॉल के फास्ट फूड कॉर्नर में ले गई और बोली, बोलो बच्चों क्या खाओगे? बर्गर। मम्मी ने बर्गर ऑर्डर किए और बच्चों के साथ वो भी बर्गर खाने लगी। बर्गर गट्टू चिंकी को बड़ा पसंद था। बर्गर खत्म होते ही उन्होंने और खाना चाहा, तो मम्मी बोली, ज्यादा बर्गर खाना अच्छी बात नहीं, मम्मी प्लीज। मम्मी ने सोचा कि बच्चे थोड़ी रोज रोज बर्गर खाते हैं। उन्होंने और बर्गर ऑर्डर किए और बर्गर खाकर तीनों घर आ गए। रात को मम्मी ने खाना बनाया जिसमें दाल रोटी सब्जी चावल और सलाद भी था। मम्मी और पापा खाना खाने बैठे तो पापा ने बच्चों को आवाज लगाई, गट्टू चिंकी चलो खाना खाने। गट्टू चिंकी आए और पापा से कहने लगे, पापा हमें भूख नहीं है, हम सोने जा रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों बिना खाए सोने चले गए। पापा परेशान हो गए, बच्चों को भूख क्यों नहीं है? आप चिंता ना करो, मॉल में दोनों ने दो दो बर्गर खाए हैं। बर्गर खाना अच्छी बात नहीं है, वो कहाँ रोज रोज खाते हैं, आप टेंशन ना लो खाना खाओ। दूसरे दिन सुबह मम्मी ने उठकर गट्टू चिंकी का टिफिन तैयार किया और टिफिन लेकर गट्टू चिंकी स्कूल चले गए। शाम होते ही दोनों स्कूल से घर आए और मम्मी को अपने अपने टिफिन देकर फ्रेश होने निकल गए। मम्मी ने दोनों के टिफिन देखे तो वो चौंक गई। उन्होंने गट्टू चिंकी को आवाज लगाई, गट्टू चिंकी आए तो मम्मी बोली, ये क्या टिफिन क्यों नहीं खाए? मम्मी आज बंटी का बर्थडे था, उसने हमारे लिए बर्गर ऑर्डर किया था, बर्गर खाकर हमारा पेट भर गया इसलिए टिफिन नहीं खा पाए। अरे पर तुम दोनों के पसंद का लंच बनाया था मैंने, वेस्ट चला गया सब। हमें बस बर्गर पसंद है, बाकी कुछ नहीं। रात के खाने पर तो हद हो गई। गट्टू चिंकी ने खाना खाने से इनकार कर दिया। वो पापा से बर्गर खाने की जिद करने लगे। गट्टू चिंकी खाना खाओ, तुम्हारे पसंद का पालक पनीर बनाया है आज। नहीं हमें बर्गर खाना है, हमें बर्गर चाहिए। बेटा ज्यादा बर्गर खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। बर्गर नहीं तो पिज्जा दे दो, पर हम घर का खाना नहीं खाएंगे। इस प्रकार गट्टू चिंकी जिद पर अड़े रहे और पापा मम्मी को उनके आगे झुकना पड़ा। पापा ने पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा खाकर गट्टू चिंकी सो गए। इस प्रकार गट्टू चिंकी को फास्ट फूड की आदत लग चुकी थी, घर का खाना उन्हें पसंद ही नहीं आता था, बस पिज्जा बर्गर खाकर दोनों अपनी भूख मिटाते थे। एक दिन गट्टू चिंकी के पेट में दर्द होने लगा तो पापा उन्हें अस्पताल ले गए। गट्टू चिंकी के रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर बोले, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम तेजी से खराब हो रहा है, इतनी कम उम्र में ये होना अच्छी बात नहीं है। पापा ने डॉक्टर को सारी बातें बताई तो डॉक्टर बोले, बेटा फास्ट फूड शरीर पर बुरा असर करता है, उसमें केमिकल्स यूज किया जाता है, केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल है, फास्ट फूड के और भी कई साइड इफेक्ट्स हैं, इसलिए बस घर का बना हुआ खाना ही खाना। पेट के दर्द की वजह से गट्टू चिंकी कमजोर हो गए थे। डॉक्टर के कहने पे उन्होंने पिज्जा बर्गर खाना बंद तो किया पर उनके मुंह का जैसे स्वाद ही चला गया था, घर का खाना भी वो ठीक से नहीं खा पा रहे थे। गर्मा गर्म दाल खिचड़ी खा लो, ताकत आएगी। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, जबरदस्ती खाएंगे तो उल्टी आ जाएगी। गट्टू चिंकी की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी और मम्मी पापा परेशान हो रहे थे। तभी गांव से दादी का आगमन हुआ। मम्मी ने दादी को सारी बातें बताई और वो रोने लगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। दादी किचन में आलू के पराठे बनाने लगी। पराठों की महक गट्टू चिंकी के कमरे में गई तो कमजोर गट्टू चिंकी में जैसे जान ही आ गई। लगता है किचन में कुछ स्पेशल पक रहा है, चलो चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी किचन में भागे तो दादी ने उन्हें गर्मा गर्म पराठे देसी घी के साथ परोसे। गट्टू चिंकी पराठे खाने लगे तो उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया। वाह दादी, ये तो पिज्जा बर्गर से भी ज्यादा टेस्टी है। हाँ और पिज्जा बर्गर से कई गुना हेल्दी भी, ये तो बस आलू के पराठे हैं, ऐसे और भी कई प्रकार के पराठे हैं जो मैं बना सकती हूँ।
तो क्या रोज आप हमें नए नए पराठे बनाकर खिलाओगी? हाँ हाँ, रोज खिलाऊंगी और तुम्हारे मम्मी को भी सिखा कर जाऊंगी। फिर क्या था, गट्टू चिंकी ने पेट भर पराठे खाए। दादी के पराठों से उनके मुंह का स्वाद वापस आ गया और गट्टू चिंकी ने फास्ट फूड को हमेशा हमेशा के लिए टाटा बाय बाय किया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।